आपका, यस आपसे बात कर रहा हूँ, आपका फेवरेट फ्रूट क्या है? मैंगो। बहुत सारे किड्स का जवाब होगा मैंगो। सो जूसी एंड द स्वीटनेस ऑफ दैट फ्रूट अट्रैक्ट्स अ लोड ऑफ पीपल, मुझे भी। तो आपने मैंगो खाया और मैंगो के बाद में उसकी जो गुठली है, सीड ऑफ दैट मैंगो, व्हाट वी डू डू विद दैट? मोस्ट ऑफ द पीपल एक्चुअली थ्रो इट अवे इन द गार्बेज, समटाइम्स इन आवर बैकयार्ड। हम अपने घर के पीछे की जगह है वहीं फेंक देते हैं, अराउंड आवर होम। एंड आफ्टर सम डेज, इफ द सीजन इज ऑफ दैट रेनी सीजन, डेफिनेटली मैंगो कब फ्रूट नहीं होती है, कल कब लगता है? इन द समर सीजन, उसके बाद में प्रॉपर कंडीशंस होती हैं और उस वक्त पानी मिल जाता है उसको नेचुरली फ्रॉम द रेन, एंड इट ग्रोज, उसकी ग्रोथ हो जाती है। वो जो सीड जो हमने फेंका था, तो आपने देखा होगा उससे एक नया मैंगो का प्लांट बन रहा है, मैंगो का प्लांट बन रहा है, मैंगो की सीड से मैंगो का प्लांट। सर आप क्या बात कर रहे हैं, मैंगो की सीड से मैंगो का प्लांट ही तो लगेगा, कोई दूसरा प्लांट थोड़ी लगेगा, पीपल का प्लांट थोड़ी लगेगा। यस वही बात कर रहे हैं कि मैंगो की सीड से एक नया मैंगो का प्लांट बन गया। अगर हम बात करें नीम के प्लांट की सीड से, तो कौन सा प्लांट बनेगा? नीम का। इस तरह से ऑल द प्लांट्स, ऑल द एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में अपने ही तरह के इंडिविजुअल को का प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी होती है। पर दिस प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग द सेम टाइप ऑफ इंडिविजुअल बाई ऑल दिस लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। तो आपको सबको पता है रिप्रोडक्शन के बारे में? यस। तो इसी प्रोसेस के बारे में हम इस चैप्टर में बात करेंगे, दैट व्हाट इज दिस रिप्रोडक्शन और सब में कैसे होता है, पार्टिकुलरली इन प्लांट्स, वो किस तरह से होता है, उसकी कौन कौन सी मेथड्स हैं, उनके बारे में हम इस चैप्टर में बात करेंगे। आपने जर्मिनेशन देखा है सीड्स का, इस सीड्स का जर्मिनेशन कैसे होता है? नहीं देखा? देखा है। इन क्लास सिक्स आपको एक एक्टिविटी करने के लिए दी गई थी, इन दैट एक्टिविटी यू हैड टू जर्मिनेट द सीड्स और अदर स्प्राउटेड सीड्स कैसे बनाते हैं, इसके बारे में बात की है क्लास सिक्स में। सो व्हेन वी स्प्राउट द सीड्स, व्हाट हैपेंस, तो होता क्या? सबसे पहले जब वो स्प्राउट होता है तो उसमें उसके दो पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट जो हमने कॉटन अगर लिया है बेस के फॉर्म में, तो कॉटन के अंदर ट्रैप हो जाता है रूट वाला पार्ट जो कि नीचे की तरफ जाता है, और एक छोटा सा स्टेम वाला पार्ट ऊपर की तरफ आता है। तो दो पार्ट उसके बन जाते हैं। और अगर यही वाली प्रोसेस अगर हम सोइल के अंदर बात करें, तो वहां पर भी ये होती है कि किसी सीड को जब जर्मिनेट किया जाता है, बोया जाता है, तो जर्मिनेशन होता है उसका। तो स्प्राउटिंग होने के दौरान क्या होता है, उसका एक पार्ट इट गोज बिलो द ग्राउंड एंड वन कम्स आउट ऑफ दैट, जमीन से ऊपर की तरफ आता है। तो जो नीचे की तरफ जाता है उसका नाम क्या है? रूट। और जो ऊपर की तरफ जा रहा है उसका नाम, दैट इज शूट। दिस इज द नॉलेज ऑफ क्लास सिक्स, यू ऑल नो अबाउट दैट। तो इस वक्त रूट एंड शूट दो पार्ट्स हैं। रूट में तो रूट का सिस्टम है, शूट की अगर बात करें तो शूट में क्या क्या, उसका छोटा सा स्टेम इन द बिगिनिंग, शुरुआत में उसका एक स्टेम है छोटा सा, और उसमें लीव्स, किसी में एक किसी में दो लीव्स जैसी स्ट्रक्चर आ गई है। तो तीन बातें हो गई, पहली बात रूट, दूसरा उसका छोटा सा स्टेम, और तीसरा लीव्स। तो ये तीन जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये तीन पार्ट्स, ये ज्यादातर फ्लावरिंग प्लांट्स में जिनमें फ्लावर्स आप देखते हैं छोटे या बड़े, तो उन फ्लावरिंग प्लांट्स में ये तीन जो पार्ट्स होते हैं वो फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ दैट जर्मिनेशन, स्प्राउटिंग की शुरुआत से वहीं से आपको दिखाई देते हैं। लेकिन एक पार्ट ऐसा है जो कि इस प्लांट की एक सर्टेन ड्यूरेशन तक ग्रोथ होगी, उसके बाद में आपको नजर आना शुरू होगा। वो प्लांट का पार्ट कौन सा है? डू यू नो दैट? यस दैट इज फ्लावर। तो जो फ्लावर है वो आफ्टर ए सर्टेन एज तक, उसका जब डेवलपमेंट हो जाता है उस प्लांट की सीड का, मतलब ग्रोथ हो रही है उस प्लांट की, तो एक एज तक डेवलपमेंट होने के बाद में, एक मेच्योरिटी आने के बाद में उसमें फ्लावर्स आते हैं, बर्ड्स आती हैं, फ्लोरल बर्ड्स, उसके बाद में बर्ड्स से फ्लावर्स आते हैं। तो ये दो लाइफ की दो स्टेज हो गई, एक स्टेज वो जिसमें शुरुआत से सीड से जर्मिनेशन से लेकर
उसके फ्लावर्स के आने की पहले की कंडीशन, जिसमें कि ओनली थ्री पार्ट्स हैं, रूट, रूट के डिफरेंट पार्ट्स, शूट, शूट के डिफरेंट पार्ट्स, शूट में स्टेम, स्टेम में ब्रांचेस भी हैं, लीव्स भी हैं, और वेजिटेटिव बर्ड्स भी होती हैं, बात करेंगे इस चैप्टर में आगे की तरफ। और दूसरी स्टेज में उसमें जब फ्लावर्स आते हैं, तो इस तरह से किसी भी प्लांट की लाइफ में दो स्टेजेस आई फ्लावरिंग प्लांट्स में मोस्टली। वो पहली स्टेज कौन सी है, जब उसमें रूट एंड स्टेम और स्टेम के जो दूसरे पार्ट्स हैं उसके साथ में लीव्स, ये तीनों पार्ट्स जो लाइफ की शुरुआत वाले पार्ट में आते हैं इनको बोलते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स। वेजिटेटिव पार्ट्स, ओके, वेजिटेटिव में जो वेजिटेशन है उससे बना है वेजिटेटिव, मतलब प्लांट्स के शुरुआत वाले पार्ट उनको बोलते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स। अब हमने बात की आफ्टर सर्टेन एज उसमें जो ब्यूटीफुल कलरफुल फ्लावर्स आते हैं, तो उनकी बात करें तो वो फ्लावर जब आते हैं तो वो फ्लावर एक्चुअली, आपने अगर ध्यान दिया होगा भी कि वो फ्लावर्स ही बाद में, हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वैसे, कि वो फ्लावर्स ही बाद में स्वीट फ्रूट, जैसे कि मैंगो की हम बात कर रहे थे, वो बनाते हैं। तो स्वीट फ्रूट मैंगो के फॉर्म में वो डेवलप होने वाले हैं वो फ्लावर्स। तो ये जो प्रोसेस है कि फ्लावर से सीड बनेंगे, किसी में वो मैंगो जैसा फ्रूट बनेगा, किसी में एप्पल जैसा बनेगा, किसी में अखरोट वॉलनट बनेगा, तो डिफरेंट फ्रूट्स बनने वाले हैं, मतलब उनके सीड्स बनने वाले, सीड्स एंड फ्रूट बनने वाले किससे, फ्लावर्स से। तो फ्लावर से तो सीड बनेंगे, लेकिन इन पार्ट से ये उसके प्लांट की शुरुआत की ग्रोथ वाले पार्ट है, तो फ्लावर को बोला जाता है रिप्रोडक्टिव पार्ट, सेकंड पार्ट। पहले वाले हमने बात की तीनों को क्या बोलते कलेक्टिवली, वेजिटेटिव पार्ट्स। सेकंड जो फ्लावर की हम बात करें, जो सेकंड स्टेज में आता है उसकी लाइफ में प्लांट की, उसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। तो इस तरह से किसी भी प्लांट के लाइफ के टू पार्ट्स, और उनको अलग अलग नाम दिया गया है। क्लास सिक्स में ऑलरेडी यू हैव ड्रॉन द डायग्राम, यू हैव नोन अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट द प्लांट्स, उनके अलग अलग पार्ट्स और उनके पार्ट्स के फंक्शंस, लीफ का फंक्शन, रूट का फंक्शन, स्टेम का फंक्शन एंड फ्लावर का फंक्शन। और फ्लावर के कुछ पार्ट्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी इन द क्लास सिक्स ऑलरेडी वी हैव टेकन, बट राइट नाउ इन दिस क्लास सेवन्थ वी विल नो मोर अबाउट द फ्लावर्स। तो फ्लावर्स की अगर बात करें तो फ्लावर्स में बता आपको दो पार्ट्स होते हैं मेनली, एक फ्लावर में दो पार्ट्स होते हैं। वो दो पार्ट्स क्या होते हैं, एक पार्ट होता है मेल, एक पार्ट होता है फीमेल। कुछ फ्लावर्स लेकिन ऐसे होते हैं जिसमें केवल मेल पार्ट ही होता है, कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिसमें मेल और फीमेल दोनों होते हैं, और कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिसमें केवल फीमेल पार्ट होता है। तो इनकी जो वैरायटी, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, फिलहाल हम ये बात करें कि दो पार्ट्स होते हैं फ्लावर्स में, मेल और फीमेल, और ये फ्लावर्स बाद में जाके क्या बनाते हैं, सीड। लेकिन क्या आपको पता है सभी प्लांट्स में सीड्स के द्वारा नए प्लांट्स नहीं बनते, वो जो शुरुआत वाले हमने बात की वेजिटेटिव पार्ट्स, उनसे भी नए प्लांट बन जाते हैं। तो उनसे नया प्लांट बनता है, वाओ, तो फिर सीड से, फ्लावर से जो सीड बनेगा उससे बनता ही, आपको पता है मोस्टली फ्लावरिंग प्लांट्स में सीड के द्वारा जर्मिनेशन होता है, नया प्लांट बनता है, सॉरी। उसी तरह से वेजिटेटिव पार्ट्स जो है उनसे भी नया प्लांट बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है, जिसमें एक पेरेंट अपने ही जैसे नए इंडिविजुअल को जन्म देता है, पेरेंट्स, तो वो जो प्रोसेस है उसके मेनली दो पार्ट्स हो गए, दो टाइप्स हो गए, इनको बोलेंगे हम मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो इनके बारे में हम थोड़ा एक्सप्लेन करके बात करते हैं। सो रिप्रोडक्शन की मेथड्स प्लांट्स में दो होती हैं, मेथड्स या मोड्स। सो टू मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन आर देयर, दीज आर टू मोड्स, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड्स का मतलब मेथड्स ही होता है। सो फर्स्ट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये मैंने आर शॉर्ट में लिख दिए रिप्रोडक्शन को, आपको पूरा लिखना है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसका मीनिंग हम जानते हैं। और दूसरा वाला है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल में ए जो पार्ट है उसका मतलब होता है नॉट सेक्सुअल, और सेक्सुअल यहां जो वर्ड है उसका मतलब यहां से है सीड से, बीजों से, सीड से। सो ए फॉर नॉट, ए का मतलब नॉट, सेक्सुअल का मतलब सीड्स। तो जब सीड्स की जरूरत नहीं है, बिना सीड्स के ही नया प्लांट बन जाता है, हमने बात की लीफ द्वारा, रूट द्वारा, स्टेम द्वारा, तो उस वक्त वो जो रिप्रोडक्शन प्लांट का हुआ, नया प्लांट बना, उस मोड का नाम है एसेक्सुअल। और जब सीड्स की जरूरत पड़ती है, हमने बात की मोस्टली सीड्स की जरूरत पड़ती है, तो सीड्स, सेक्सुअल, सीड्स के द्वारा नया प्लांट का प्रोडक्शन होता है, सो दैट इज
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दोनों की डेफिनेशन की बात करते हैं। इसमें एसेक्सुअल, नो सीड्स। सो द न्यू प्लांट, नया प्लांट, न्यू प्लांट्स, न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड विदाउट सीड्स, बिना सीड्स के, सीड्स की जरूरत नहीं है, बिना सीड्स के ही नए प्लांट का प्रोडक्शन हो जाता है। दिस मोड इज नोन एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और यहां पर सीड्स की जरूरत है। सो द न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सीड्स, तो सीड से नए प्लांट का प्रोडक्शन होता है। दिस मोड इज नोन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब यहां बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, नो सीड्स, सीड्स की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, न्यू प्लांट्स, न्यू प्लांट बाई वेजिटेटिव पार्ट्स। जब हमने बात की नो सीड्स, सीड की जरूरत नहीं, इसका मतलब जो वेजिटेटिव पार्ट्स हैं, जो कि प्लांट की जर्मिनेशन की शुरुआत से, सीड से जब जर्मिनेशन होता है तो तब से लेकर फ्लावर्स के आने तक की पहली वाली जो स्टेज, उसको वेजिटेटिव फेज बोलते हैं। तो वेजिटेटिव फेज में जो पार्ट्स होते हैं उनको बोलते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स। जो वो कौन से, रूट, फिर उसका स्टेम और उसके ब्रांचेस भी उसमें शामिल हैं, और फिर उसमें लीव्स। तो ये सब मिलाकर क्या कहलाता है, शूट, पूरा, सॉरी, वेजिटेटिव पार्ट्स। तो ये वेजिटेटिव पार्ट्स के द्वारा नया प्लांट बनता है, रूट्स, स्टेम, लीव्स। अब बात करें सेक्सुअल के बारे में, तो इसमें देखिए सीड्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि नाम ही सेक्सुअल, मतलब सीड्स के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। तो इसमें किसकी जरूरत पड़ती है, सीड्स की। अब सीड्स, तो सीड्स कहाँ से मिलते हैं, आपको पता है, हमने थोड़ी ही बात की थी, बाकी चैप्टर में सेकेंड पार्ट में बात करेंगे कि सीड्स कैसे बनते हैं। तो वो बनते हैं फ्लावर्स के द्वारा। और फ्लावर कौन सा पार्ट है, हमने बात की थी प्लांट की लाइफ की सेकेंड स्टेज में, सेकेंड स्टेज में क्या होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट का डेवलपमेंट। वो रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है, फ्लावर, जो कि एक आफ्टर ए सर्टेन मैच्योरेशन, प्लांट की एक मैच्योरिटी आ जाती है, उसके बाद में उसमें ग्रोथ होने के बाद में उसमें फ्लावर्स आते हैं। शुरुआत से लेकर तब तक क्या आते रहते हैं, ओनली उसके वेजिटेटिव पार्ट्स, उन्हीं के डेवलपमेंट, उन्हीं की ग्रोथ होती है, उसके बाद में उसमें फ्लावर आते हैं। आपसे एक बात करनी थी कि अगर ये तीनों पार्ट्स, रूट्स, स्टेम और लीव्स, इन क्लास सिक्स वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट द फंक्शंस ऑफ दीज थ्री, इन तीनों के फंक्शन की बात हमने कर ली है, कि अगर रूट्स अगर वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्प्शन ना करें तो प्लांट्स की डेथ हो जाएगी। स्टेम की बात करें, स्टेम कंडक्शन ऑफ वाटर, उस वाटर को ऊपर की तरफ बाकी प्लांट्स में ले जाने का काम करता है, एंकर करता है। और इस हम एक चैप्टर में बात करेंगे इसके बारे में, सेवन्थ क्लास में भी। लीव्स का फंक्शन है फोटोसिंथेसिस, फूड का प्रिपरेशन। अगर लीव्स नहीं करेंगे ये काम तो प्लांट की डेथ हो जाएगी। ओके, तो स्टेम नहीं होगा तो प्लांट की डेथ हो जाएगी, क्योंकि वाटर को, मिनरल्स को अदर हायर प्लांट्स के पार्ट्स में पहुंचाने का काम वही करता है। अगर किसी प्लांट के स्टेम को काट दिया जाए तो क्या होगा, प्लांट की डेथ हो जाएगी। रूट्स की बात करें, अगर रूट्स को काट दिया जाए तो प्लांट की डेथ हो जाएगी। क्यों, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने का काम, वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम किसका है, रूट्स का। लीव्स, अगर लीव्स किसी प्लांट की हटा दिया सारी सारी, व्हाट विल हैपन, द प्लांट कांट सर्वाइव, प्लांट सर्वाइव नहीं कर सकता। इसका मतलब ये जो वेजिटेटिव पार्ट्स हैं, इन सब का होना प्लांट के लिए जरूरी है। तो यही बात हम बात करते हैं किसके बारे में, रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में, वो कौन सा है, फ्लावर। तो अगर किसी प्लांट के फ्लावर्स को, सभी फ्लावर को, सभी फ्लावर्स को हटा दिया जाए, तोड़ दिया जाए, अलग कर दिया जाए, तो क्या वो प्लांट मर जाएगा, सोचिए। नहीं मरेगा। क्यों नहीं मरेगा, बिकॉज फ्लावर से सीड बनता है, और सीड नेक्स्ट वाली जनरेशन के लिए, अगली पीढ़ी के लिए, नए इंडिविजुअल के लिए जरूरी होता है। उस प्लांट के लिए उस फ्लावर का कोई यूज नहीं है, बस उस प्लांट के लिए, क्योंकि उस प्लांट के जैसे दुनिया में और अगर प्लांट लगने हैं, अगर मान लो एक ही प्लांट हो तो, वैसे क्योंकि दूसरे प्लांट्स हो सकते हैं, उनसे भी सीड बन सकता है, हम कितने सीड्स को रोकेंगे, लेकिन उस प्लांट के लिए उसका असर कोई डेफिनेटली नहीं होने वाला है। तो लाइफ पर, लाइफ के सर्वाइवल के लिए, जिंदा रहने के लिए जरूरी कौन से पार्ट्स हैं, रूट्स, स्टेम, लीव्स, बट नॉट द फ्लावर। तो ये जो प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन की हम बात कर रहे हैं, जैसे इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था, तो ये रिप्रोडक्शन के लिए फ्लावर का जरूरी होना है। ये जो प्रोसेस है, ये वाले रूट्स, स्टेम, लीव्स, ये रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी है, लेकिन किसी इंडिविजुअल प्लांट की, एनिमल या और दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म की, उसकी लाइफ के लिए ये जरूरी है, रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी नहीं है। तो जो रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है, वो किसी इंसान की, किसी प्लांट की, या किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जिंदा रहने के लिए जरूरी नहीं है, वो अगली पीढ़ी के लिए जरूरी है। अगर हम किसी नीम के प्लांट के सारे सीड्स हटा दें, तो क्या उस वैसे मान लो कि पूरी दुनिया के सभी नीम के प्लांट्स के सीड्स हम हटा दें, हटा दे जाएं, बनते जाएंगे, हटा दे जाएंगे, और उसके बाद में क्या होगा,
जिन जिन प्लांट्स के सीड्स हमने हटाए, मतलब वो सब नीम के प्लांट्स हैं, अब किसी भी प्लांट के सीड्स को हमने हटा दिया और उनको जला दिया, खत्म कर दिया, अब क्या अब नेक्स्ट वाली जनरेशन नीम की आएगी? नहीं आएगी। पूरी दुनिया में देयर विल बी नॉट ए सिंगल नीम प्लांट, नीम का प्लांट दुनिया से खत्म। लेकिन वो जो प्लांट्स थे जिनकी हमने सीड्स कलेक्ट किए जलाए, क्या उन प्लांट्स की लाइफ पर असर पड़ेगा? नो, कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो जो रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है वो किसी की इंडिविजुअल लाइफ पर इसका कोई असर नहीं पड़ता, नहीं हो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस, नई जनरेशन नहीं भी पैदा हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर एक नीम का प्लांट है और उससे नए नीम के प्लांट नहीं बनेंगे, उसके अगर सीड्स नहीं बनेंगे तो उस प्लांट को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर उसको मान लो अगर फोटोसिंथेसिस ना करे वो प्लांट, उसके लीव्स फोटोसिंथेसिस ना करें, एब्जॉर्प्शन वाटर मिनरल्स का रूट्स ना करें, तो क्या होगा? डेथ हो जाएगी। ओके, तो रिप्रोडक्शन लाइफ की प्रोसेस के लिए, लाइफ के लिए, जिंदा रहने के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन नेक्स्ट वाली स्पीसीज के लिए, नेक्स्ट जनरेशन के लिए उसका होना जरूरी है। सो इस तरह से रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के बारे में अब हम आगे बात करते हैं कि ये जो अलग अलग मेथड्स हैं इनकी एक्सप्लेनेशन, ये कौन से प्लांट्स में होती है, कैसे होती है, उसके बारे में। फर्स्ट वाला जो एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन है, पहले उसके बारे में बात करेंगे, जिसमें सीड्स की जरूरत नहीं होती है, नो सीड्स आर रिक्वायर्ड। तो ये जो एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज ऑफ फोर टाइप्स, 1, 2, 3, 4। फर्स्ट, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, इसका नाम है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, कॉन्सेंट्रेट ऑन द प्रोनाउंसिएशन, मैं जो बोल रहा हूँ आप उस पर ध्यान दीजिए। पहला है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, दूसरा बडिंग, इनके बारे में एक्सप्लेन करेंगे वन बाई वन। फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट जस्ट द नेम्स, बडिंग। थर्ड फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंटेशन। लास्ट वन इज स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन। सो देयर आर फोर मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। द फर्स्ट वन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, विच द नेम इज सजेस्ट ऑटोमेटिकली, वो नाम खुद बताता है कि ये किस तरह की मेथड है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मतलब वेजिटेटिव पार्ट जो प्लांट के होते हैं उनके द्वारा नया प्लांट बन जाए। देखिए, बाई वेजिटेटिव पार्ट्स जो कौन से होते हैं, यू नो ऑलरेडी द स्टेम, लीफ, रूट, दीज आर द वेजिटेटिव पार्ट्स। तो इनके द्वारा, स्टेम के द्वारा नया प्लांट, वाओ, लीफ के द्वारा नया प्लांट बन जाए, रूट के द्वारा नया प्लांट बन जाए, और सीड की जरूरत ही नहीं हो क्योंकि किसी में भी इनमें सीड्स हमने नहीं लिखा है। सो ऑल दीज आर विदाउट द सीड्स प्रोड्यूसिंग नेक्स्ट जनरेशन ऑफ दैट प्लांट। सो इसलिए सबके सब कौन सी है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेकेंड बडिंग, बडिंग में एक बड बनती है, तो ये एक्चुअली एक फंजाई का एग्जांपल हम पढ़ेंगे इसके बारे में, उसके बारे में बात करें तो उसमें बड बनती है और चेन ऑफ बड्स बनकर नया यीस्ट के सेल्स बन जाती है सारी। थर्ड वन फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंटेशन जो वर्ड है वो बना है एक्चुअली फ्रैगमेंट्स से, फ्रैगमेंट मतलब टुकड़े। तो टुकड़े जितने हो जाते हैं उतने ही नए जीव, वाओ, जितने टुकड़े हो जाएंगे पानी से, एक्चुअली ये एल्गी का एग्जाम्पल है। एल्गी में ऐसा होता है कि अगर कुछ एल्गी जो पानी में होती है, मोस्टली पानी में होती है, एल्गी को पानी की जरूरत होती है, विदाउट पानी, विदाउट वाटर दे कांट सर्वाइव। तो जो फाइबर जैसी एल्गी होती है, हो सकता है आपने अपने आसपास की पॉन्ड्स वगैरह में देखा हो या रिवर्स में भी, तो जो धागे जैसी स्ट्रक्चर वाली होती है पानी के साथ वो टूट जाती है, बिखर जाती है। तो जितने टुकड़े हो गए उतने ही नई एल्गी बन गई, वाओ। तो फ्रैगमेंट से इसका नाम बना है फ्रैगमेंटेशन, जितने टुकड़े हो गए उसके एल्गी के उतने ही नए एल्गी का डेवलपमेंट हो गया। लास्ट वन इज स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर के बनने के द्वारा, तो यहाँ पर भी सीड नहीं है, किसी में भी सीड नहीं है, ये स्पोर फॉर्मेशन, इसमें स्पोर्स बनते हैं और वो स्पोर्स जब बिखर जाते हैं तब वो नए प्लांट्स को जर्मिनेट कर लेते हैं, वो खुद जर्मिनेट होते हैं, फिर नया प्लांट उसका डेवलपमेंट हो जाता है। स्पोर के बारे में वी हैव टॉक्ड ऑलरेडी इन द चैप्टर व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट द ब्रेड एंड स्पॉइलिंग ऑफ द ब्रेड, जब हम न्यूट्रिशन के मोड्स की बात कर रहे थे, दैट वाज अबाउट द हेटरोट्रॉप्स। एंड हेटरोट्रॉप में भी कौन से, जो अपना फूड बना नहीं सकते, कौन से वाले, जो डेड और डीकेइंग पर, सड़े हुए, गले हुए, इन डेड या डीकेइंग मटेरियल पर, ऑर्गेनिक मैटर पर डिपेंड करते हैं। कौन, हमने बात की थी फंजाई के बारे में, उनको क्या बोलते हैं, सेप्रोट्रॉफ। तो ये फंजाई में ऐसा होता है, स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा नया प्लांट बन जाता है। लेकिन फंजाई के अलावा कुछ और एग्जांपल भी हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो ये चार मेजर टाइप्स हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, उसके बाद में बात करेंगे सेक्सुअल के बारे में, उसमें तो केवल एक ही टाइप है, पहले एसेक्सुअल के बारे में हम बात करेंगे।
डायग्राम बन गया। अब इसको हम लेबल करते हैं। तो ये एक फ्लावरिंग प्लांट है, सबसे टॉप पे आपको फ्लावर दिख रहा है, दैट इज फ्लावर, FLOWER, फ्लावर। सेकेंड, ये एक जो बर्ड है वो हमने बात की थी आफ्टर वन एज, आफ्टर एक प्लांट की किसी एक एज के बाद में जब उसकी मेच्योरिटी आ जाती है तब उसमें बर्ड्स आती हैं और वो बर्ड्स बन जाती हैं फ्लावर्स। तो ये एक फ्लावर की बर्ड है, तो इसको लिखेंगे फ्लोरल बर्ड, फ्लोरल बर्ड, जो कि बाद में क्या बन जाएगी, फ्लावर बन जाएगी। ये क्या है, दीज आर ऑल लीव्स, तो एक को लिखेंगे हम LEAF, लीफ। और ये लीफ किस पे लगी हुई है, इधर भी इधर भी, ये है एक ब्रांच, इसको हमने लेबल किया ब्रांच। जहां से ब्रांच निकल रही है इस प्लांट के, ये वाला जो पार्ट है दैट इज स्टेम, हमने इसको तो लेबल किया नहीं। ओके नाउ, तो जिस ये स्टेम है, स्टेम लिख लेते हैं, नहीं बाद में लिखते हैं, जिस पॉइंट से ब्रांच निकलती है उस जगह को, कई बार यहाँ पे ब्रांच नहीं निकलती, यहाँ पे लीफ भी निकलती है, लीव्स निकलती है, इधर लीव इधर लीव, जैसे ब्रांच निकलती है इस पॉइंट को बोलते हैं, या इस पॉइंट को जहाँ से लीफ निकल रही है, इस पॉइंट को जहाँ से लीफ निकल रही है ब्रांच से या स्टेम से, जहाँ से लीफ इमर्ज होती है, जहाँ से लीफ निकलती है, लगी होती है, अटैच होती है, उस जगह को बोलते हैं NODE, नोड, NODE। तो ये भी नोड है एक, ये भी नोड है, दोनों नोड है, और यहाँ जो लीफ कनेक्टेड जहाँ जिस जगह पर है उसको भी क्या बोलते हैं, नोड। मतलब लीफ जहाँ पर भी अटैच है स्टेम पर या ब्रांच पर, तो वो पार्ट क्या कहलाता है, नोड। ये भी नोड, ये भी नोड। ओके, अब इन दोनों के बीच वाला जो है उसको हमने लेबल नहीं किया, ये जो बीच वाला पार्ट है इसका एक अलग से नाम है, वो क्या है, ये भी नोड और ये भी नोड। नोड के अंदर की तरफ जो स्ट्रक्चर दिख रही है इसको क्या लेबल करते हैं हम लोग, पहले इसकी बात कर लेते हैं, हम इसकी बात करते हैं, ये अंदर वाला जो यहाँ पे कुछ निकला हुआ ना इसको, तो जो जहां से नोड, जहां पर नोड है, जहां से लीफ निकलती है, ब्रांच निकलती है, उस जगह को बोलते हैं, एक्चुअली उस जगह को जहां पे निकलती ब्रांच या स्टेम, स्टेम से ब्रांच निकलती है, स्टेम से लीफ निकलती है, उस पार्ट को तो बोलते हैं नोड। ओके, जैसे ये एक नोड है, एक नोड है, एक नोड है, और इस जगह जहां से लीफ निकलती है, तो यहां पर एक स्पेशल लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसको बोलते हैं वेजिटेटिव बर्ड, वेजिटेटिव बर्ड। अलग अलग तरह के प्लांट्स में वेजिटेटिव बर्ड्स भी अलग अलग तरह की होती है, लेकिन वो होती कहाँ है, स्टेम या ब्रांच पर होती है। और ये नोड और ये दूसरा नोड, इन दोनों के बीच की जो स्टेम का जो पार्ट है या ब्रांच का जो पार्ट है, उसको क्या बोलते हैं, इंटर नोड, नोड्स के बीच वाला इंटर नोड, दो नोड्स के बीच में इंटर नोड, यहां से यहां तक क्या है, ये एक इंटर नोड है, और ये वाला पार्ट क्या है, नोड, ये वाला पार्ट क्या है, नोड, जहां से लीफ अटैच हो रही है या स्टेम अटैच हो रहा है, ये वाला तो आप जानते ही हैं, दिस इज द स्टेम। तो ये तो बात हो गई प्लांट के उन पार्ट्स की विच आर एरियल, जो हवा में है, जो जमीन से ऊपर, दे आर अबोव द सॉइल, बाकी जो पार्ट्स है वो है जमीन के अंदर, उनको लेवल करें। तो सबसे पहले ये एक रूट जा रही है, दैट इज मेन रूट, जिसको बोलते हैं प्राइमरी रूट। दीज ऑल लेवल्स ऑलरेडी यू हैड स्टडीड इन क्लास 6। प्राइमरी रूट ये वाली सेंटर वाली, उसके बाद में उससे निकलती है ये वाली रूट, इसका नाम है सेकेंडरी। प्राइमरी से निकलने वाली रूट, सेकेंडरी रूट, उसके बाद में सेकेंडरी रूट है, उससे सेकेंडरी से वो निकली ये वाली, इसको बोलते हैं टर्शियरी। और टर्शियरी रूट है, उससे एक और ब्रांच निकल रही है,
उसको क्या बोलते हैं, ये यहां पर लेबल किया है, उसको लेबल करते हैं दैट इज रूट हियर। तो ये जो सारे पार्ट्स हैं दीज आर प्रेजेंट इन द सोइल, ये सोइल के अंदर है। तो किसी एक प्लांट के दो पार्ट्स हो गए, द अपर पार्ट दैट इज अबो द ग्राउंड, द लोअर पार्ट दैट इज बिलो द ग्राउंड। इन दोनों का अलग अलग नाम है। यू ऑल एक्चुअली ऑलरेडी नो दिस अबो पार्ट, दिस इज द लोअर पार्ट विच इज प्रेजेंट इन साइड द सोइल, दिस पार्ट इज शूट, दिस पार्ट इज रूट। लेबलिंग कंप्लीट हो गई। हम बात कर रहे थे वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में, जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की फर्स्ट मेथड है। तो इसमें हमने बात की वेजिटेटिव पार्ट्स का ही यूज होता है नया प्लांट बनाने के लिए। तो वेजिटेटिव पार्ट्स कौन से, रूट, स्टेम एंड लीव्स। फ्लावर तो क्या है, उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो ये जो तीन पार्ट्स हुए, रूट, स्टेम एंड लीव्स, इन तीनों के द्वारा नया प्लांट बनता है। तो खास बात आपको अभी ये देखनी है कि तीनों से बनता है, तो हम तीन अलग अलग मेथड्स के बारे में बात करेंगे। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में भी तीन अलग अलग मेथड के बारे में बात करेंगे, लेकिन उसमें आप ये याद रखिए वेजिटेटिव बर्ड, ये वेजिटेटिव बर्ड कहाँ है, वेजिटेटिव बर्ड कहाँ है, जहाँ से ब्रांच निकलती है स्टेम से, या जहाँ से लीफ निकलती है, उस जगह पर क्या हो, उस पार्ट को तो क्या बोलते हैं, नोड। और उस नोड में क्या होती है, वहां पर होती है वेजिटेटिव बर्ड। अब ये वेजिटेटिव बर्ड अलग अलग तरह की होती है। सो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की बात कर रहे हैं हम लोग, फर्स्ट मेथड जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की है, उसमें अलग अलग मेथड्स हैं, तो उनके बारे में बात करना शुरू करेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की। तो खास बात इसके बारे में दो पॉइंट्स। पहली बात, सिंगल पेरेंट, क्योंकि बिकॉज देयर इज नो यूज ऑफ द फ्लावर, फ्लावर में तो मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स होते हैं, लेकिन लीफ में, स्टेम में, रूट्स में, इनमें दोनों पार्ट्स नहीं होते। मतलब केवल एक सिंगल पेरेंट से ही नया प्लांट डेवलप हो सकता है। सो सिंगल पेरेंट इज रिक्वायर्ड, दोनों पेरेंट की मेल फीमेल की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, बाय वेजिटेटिव पार्ट्स, बिकॉज नेम इज द वेजिटेटिव प्रोपगेशन, तो वेजिटेटिव पार्ट्स के द्वारा ही नया प्लांट ग्रो कर सकता है। इसका मतलब देयर इज नो यूज ऑफ द रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो इसकी जो फर्स्ट मेथड है, क्योंकि वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, तो वेजिटेटिव पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट दैट इज बाय स्टेम, तो स्टेम के द्वारा नया प्लांट कैसे ग्रो करता है। तो इसमें स्टेम से ग्रो करने के दो तरीके हैं, पहला है आर्टिफिशियल और दूसरा है नेचुरल। आर्टिफिशियल मतलब जो हम अपने लेवल पे किसी प्लांट के स्टेम से नया प्लांट ग्रो करा सकते हैं, तो दैट इज आर्टिफिशियल। और नेचुरली ऐसा हो जाए स्टेम के द्वारा, नेचुरली होता है ऐसा, यस आपने सबने देखा है, नहीं देखा तो बात करें तो आपको समझ में आ जाएगा। तो नेचुरली भी ऐसा होता है कि स्टेम के द्वारा नया प्लांट बन जाता है। तो आर्टिफिशियली कैसे करते हैं हम लोग, कैसे कर सकते हैं, यू एंड मी, वी ऑल कैन डू एंड यूज टू डू, हम करते रहे हैं, पहले भी करते रहे थे। तो कैसे करते हैं, तो आर्टिफिशियल वो तरीका, उसका नाम है कटिंग। कटिंग का मतलब उसमें प्लांट के स्टेम का या कोई पुरानी ब्रांच का एक पार्ट काटकर उससे ही नया प्लांट बनाया जा सकता है। कैसे, देखिए, कटिंग ऑफ स्टेम और ब्रांच, स्टेम या ब्रांच की एक कटिंग काटी जाती है, काट कर उसको अलग कर लिया जाता है विथ एटलीस्ट वन नोड। केयरफुली वी हैव टू टेक दिस नोटिस इन टू अटेंशन दैट उस जो हमने काटा है ब्रांच या स्टेम के पार्ट को, उसमें कम से कम एक नोड का होना जरूरी है। ओके, इसके बारे में थोड़ी सी बात फिर से करते हैं एक बार। सपोज this is a branch and here we are talking about the leaf, again here on the leaf. तो हमने बात की थी the part, वो part जहां से leaf निकलती है, एक leaf और बना लेते हैं यहां पर, here, okay, now हमने बात की थी कि प्लांट के ब्रांच का या स्टेम का वो पार्ट जहां से लीफ इमर्ज होती है, तो जिस पार्ट या स्टेम से या ब्रांच से जिस जहां से लीफ निकलती है, वो पार्ट ये वाला पार्ट, या हम इस पार्ट की बात करें, ये वाला पार्ट जहां से लीफ निकलती है या ब्रांच निकलती है, उस पार्ट को या इस पार्ट को, इसको क्या बोलते हैं, इसका तो नाम है, हम बात कर चुके हैं, NODE। और दोनों के ये भी नोड है,
दैट इज ऑल्सो नोड। और इन दोनों के बीच का जो ये वाला यहां से लेकर यहां तक दिस स्पेस स्टेम का ये जो पार्ट है इसको क्या बोलेंगे, जो दोनों नोड्स के बीच वाला पार्ट को क्या बोलेंगे, इंटरनोड। गुड, दोनों के बीच वाला दैट इज इंटरनोड। अब एक इंपॉर्टेंट बात, वेजिटेटिव बड के बारे में हमने जो बात की अभी, तो वेजिटेटिव बड के बारे में हमने ये बात की कि वो जहां से लीफ निकलती है या जहां से कोई स्टेम से ब्रांच निकलती है उस जगह भी वेजिटेटिव बड होती है। तो वो कहां होती है उसके बारे में बात करनी थी आपसे कि यहां पर जिस पॉइंट से लीफ अटैच होती है, ये पॉइंट यहां से लीफ अटैच हो रही है, ये लीफ इस पॉइंट पे अटैच हो रही है स्टेम से या ब्रांच से, ये वाली लीफ इस पॉइंट पे अटैच हो रही है, तो जिस पॉइंट पे अटैच होती है उस पॉइंट का नाम क्या है, उस पॉइंट का नाम एक्चुअली होता है ए एक्स आई एल, एक्सिल। दिस इज द एक्सिल, ये एक्सिल है जहां से लीफ निकलती है या जहां से ब्रांच निकलती है, उस पॉइंट को बोलते हैं अटैचमेंट का पॉइंट। ये यहां पे जो अटैच हुई लीफ, तो ये लीफ अटैच, तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, एक्सिल। और जिस पार्ट में प्लांट के स्टेम के जिस पार्ट में ये एक्सिल वाला पार्ट है उस पार्ट को क्या बोलते हैं, नोड। तो हम यहां बात कर रहे हैं कि कम से कम वन नोड होना चाहिए। तो हम कटिंग अगर काटेंगे तो कौन सी कटिंग हमारे लिए बेस्ट होगी, यहां से लेकर यहां काटेंगे, यहां से लेकर अगर यहां इसको काटा हमने तो क्या ये कटिंग सही होगी क्या, नो। हमें कौन सी कटिंग चाहिए, हमें कटिंग चाहिए यहां से लेकर यहां तक वाली। क्यों, क्योंकि इसमें कम से कम एक नोड आ गया, सो दिस विल बी द राइट ऑप्शन ऑफ द कटिंग। ओके, तो एक्सिल और नोड में आपको डिफरेंस समझ आया, नोड क्या है, वो पार्ट है जिसमें कि कम से कम एक लीफ या ब्रांच इमर्ज हो रही है, और एक्सिल क्या है, वो पॉइंट जहां से लीफ इमर्ज होती है, वो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट जहां लीफ जुड़ी हुई है, और वहीं पर क्या होती है, उसी जगह पर इस एक्सिल पर यहां पर क्या होती है, बड, जिसके बारे में मैंने बात की, तो ये वेजिटेटिव बड। तो क्यों लेते हैं नोड वाला पार्ट कम से कम एक, क्योंकि उसमें होती है उसमें एक्सिल होता है और वहां पर होती है वेजिटेटिव बड जो कि ग्रो करके नया प्लांट बना सकती है। अब इसे कटिंग को हमने काटा, अलग किया, उसको हमने सोइल में प्लांट कर दिया, हमने वाटर किया उसको, मतलब पानी दिया उसको, वो एक नए प्लांट के रूप में ग्रोथ हो जाती है। एग्जाम्पल देखिए, रोज, गुलाब का, गुलाब की कटिंग आपने शायद देखी हो, किया होगा आपने, चाइना रोज आप कर सकते हैं, अगर नहीं किया तो अभी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इस मेथड का, चाइना रोज, हिबिस्कस, इसका साइंटिफिक नाम हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, पूरा नाम बायोलॉजिकल लेकिन शॉर्ट में हिबिस्कस, चाइना हिंदी में बोलते हैं गुड़हल, तो गुड़हल रोज इनमें इन्हीं का इस्तेमाल किया था। इसके अलावा आपने शायद बोगनविलिया में भी ऐसा करके देखा होगा, बोगनविलिया में भी ऐसा होता है, बोगनविलिया यस पेपर फ्लावर, उसमें भी इस मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। तो दिस वॉज द फर्स्ट मेथड, आर्टिफिशियल मेथड जो कि कटिंग। इसके अलावा एक मेथड और भी होती है, वो होती है ग्राफ्टिंग। एक्चुअली दैट इज नॉट इन द सिलेबस, तो ग्राफ्टिंग के में होता है कि एक प्लांट है जो कि प्लांटेड है सोइल में लगा हुआ है, उसके स्टेम को काटा जाता है और उसके ऊपर वाला पार्ट हटा दिया जाता है, ऊपर वाले पार्ट की जगह पर किसी दूसरे प्लांट का स्टेम का ऊपर वाला पार्ट काटकर उसी फैशन में उसी स्टाइल में आड़ा ओब्लिक तिरछा काट के उसको इस पे लगा दिया जाता है, जो कि ये पहले वाला नीचे वाला प्लांट का जो पार्ट है तो ग्राउंडेड है, जमीन में लगा हुआ है, उसकी रूट्स रूटेड है, वो उसको जड़ों से नहीं उखाड़ा गया। यहां तो क्या कर रहे हैं, काट के लेकर आ रहे हैं फिर उसको जमीन में लगा रहे, लेकिन इसमें क्या कर रहे हैं, एक प्लांट लगा हुआ है ऑलरेडी, ये सोइल है, ये प्लांट लगा हुआ है, इसका ऊपर वाला पार्ट इसको हमने काट दिया, इस वाले पार्ट को हमने अलग कर दिया, और फिर दूसरे प्लांट का ऊपर वाला पार्ट वो हम लेकर आए, इस प्लांट को लेकर आए और यहां पर हमने लगा दिया, यहां हमने इसको लगा दिया, इसका हटा दिया, दूसरे वाले प्लांट का नीचे वाला पार्ट वहीं छोड़ दिया, इसको हमने नहीं लिया, इसको लिया इसको लगा दिया इसके ऊपर, फिर यहां पे इसको बांध दिया हमने, वैक्स लगा दिया, उसके बाद में तो जो नया प्लांट बनेगा उसमें नीचे वाले प्लांट क्या कर रहा है, उसको क्या दे रहा है, न्यूट्रिशन दे रहा है। इस प्लांट के ऊपर ग्रोथ कौन से वाले पार्ट्स की होगी, जिस प्लांट को हम लेकर आए ऊपर वाले पार्ट को उसकी ग्रोथ होगी, उसके फ्रूट्स वगैरह लगेंगे क्योंकि उसका डेवलपमेंट इसके ऊपर हो रहा है, लेकिन एब्जॉर्प्शन का काम कौन कर रहा है, रूल्स मिनरल्स का वाटर का नीचे वाला पार्ट। ओके, तो ग्राफ्टिंग के बारे में बात नहीं कर रही, दैट इज नॉट इन द सिलेबस। सो ये आर्टिफिशियल हो गया कि स्टेम के द्वारा कटिंग के द्वारा नया प्लांट लगाया जा सकता है।
अब ये जो स्टेम के द्वारा जो रिप्रोडक्शन होता है वो नेचुरली भी होता है। उसके एग्जांपल देखिए, पहला है पोटेटो, आलू। तो आलू आप देखिए पिक्चर में दिख रहा है आपको, पोटेटो का जो डायग्राम है, पोटेटो का जो पिक्चर है उसमें आपने सबने देखा कि पोटेटो के बीच बीच में बहुत सारे छोटे छोटे गड्ढे बने होते हैं, स्कार्स, SCARS, स्कार्स बने होते हैं। ये स्कार्स में अगर इनलार्ज करके इनको लेंस से, मैग्नीफाइंग ग्लास से, इफ वी कैन ऑब्जर्व दोज, देन दोज स्कार्स एक्चुअली आर हैविंग वेरी स्मॉल स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। उनमें बहुत छोटी छोटी स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होती है। उस स्कार को, उस गड्ढे को बोलते हैं आईज, EYES यहाँ लिखा हुआ, आईज बोलते हैं। और इन आईज के अंदर जो छोटा सा, हम बता रहे हैं छोटा स्टेम, उस स्टेम के चारों तरफ बहुत सारी छोटी छोटी पत्तियां एक के ऊपर एक लिपटी हुई होती हैं। उनको बोलते हैं ओवरलैप, जैसे कि एक पत्ती उसके ऊपर ये वाली दूसरी पत्ती, उसके बाद दूसरी पत्ती, ऐसे तीसरी चौथी, ऐसे ओवरलैप्ड, ओवरलैप्ड लीव्स होती है छोटी छोटी। तो वो एक्चुअली वेजिटेटिव बड होती है। तो जो आई है, आंख है आलू की, जो आंख है, आंख तो ऐसे बोला जाता है, उसके थोड़ा स्ट्रक्चर ऐसा बना होता है। तो दैट आईज इज एक्चुअली हैविंग वेजिटेटिव बड। तो अगर हम उसका एक पार्ट काटें पोटेटो का जिसमें कम से कम एक आई हो, यहां हमने बात की कि कम से कम एक नोड होना चाहिए ना, स्टेम की कटिंग में बात कर रहे थे, जो आर्टिफिशियल कराया जाता है। तो नेचुरली इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर उसका एक पार्ट है वो, अगर आपने शायद अपने घरों में देखा भी होगा कि पोटेटो रखे होते तो अपने आप ही उनकी ग्रोथ हो जाती है। तो अगर उसको काट कर बो दिया जाए तो नया प्लांट कौन सा लग जाएगा, पोटेटो के। तो एक ही पोटेटो से हम 2, 3, 4 प्लांट नए लगा सकते हैं, ग्रोथ इनटू ए न्यू पोटेटो प्लांट, नया प्लांट बन जाएगा। आपके घर में अगर स्टोर करके रखा गया है या लाया गया था, थोड़ा मॉइस्चर वगैरह मिल गया तो उसकी ग्रोथ हो जाती है, पोटेटो में अपने आप ही प्लांट लग जाते हैं। ओके, नेचुरली हुआ ना। इसके अलावा जिंजर और टर्मरिक में भी ऐसा ही होता है, उसमें भी जिंजर में, अदरक में भी, और टर्मरिक मतलब हल्दी में भी, इन दोनों में भी वेजिटेटिव बर्ड्स होती हैं। उनमें भी वैसी स्ट्रक्चर होती है लीफ की, ओवरलैपिंग स्ट्रक्चर, और उनमें भी क्या होता है, वही वाली वेजिटेटिव बर्ड है मतलब, तो उसमें भी ओवरलैपिंग लीव्स हैं, और अगर वो वाला पार्ट अलग हो जाता है तो नया प्लांट बन जाता है। तो दिस इज द फर्स्ट मेथड इन द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाई स्टेम, स्टेम के द्वारा नया प्लांट कैसे बनता है। नेक्स्ट वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की जो मेथड है दैट इज बाई लीफ। लीफ के द्वारा भी नया प्लांट बन सकता है, दैट इज वंडरफुल कि एक लीफ प्लांट की है उससे ही नया प्लांट बन जाए, सीड की जरूरत तो है नहीं, विजिट पार्ट्स की बात कर रहे हैं। तो लीफ के द्वारा नया प्लांट बन जाएगा, यस दैट इज पॉसिबल। एग्जाम्पल इसका एक ब्रायोफिलम, आप पिक्चर में देखिए ब्रायोफिलम, जिसका दूसरा नाम है स्प्राउट लीफ प्लांट। स्प्राउट मतलब लीफ से ही स्प्राउटिंग हो जाती है, तभी तो उसका नाम है स्प्राउट लीफ प्लांट या ब्रायोफिलम, इसका बायोलॉजिकल नेम है। तो इसमें जो लीफ है प्लांट की, इसी के द्वारा नया प्लांट बन जाएगा, लीफ से ही स्प्राउटिंग हो जाती है। कैसे, इसमें भी वेजिटेटिव बर्ड्स ही होती हैं। जब भी हम स्टेम की बात करते हैं तो भी वेजिटेटिव बर्ड्स, अभी लीफ की बात करें तो भी वेजिटेटिव बर्ड्स, आगे रूट्स की बात करेंगे तो भी, उसमें भी वेजिटेटिव बर्ड्स। तो वेजिटेटिव बर्ड्स इन द लीफ मार्जिन्स, ये ब्रायोफिलम की जो लीफ आप देख रहे हैं फिगर में, उसमें उसकी जो मार्जिन्स हैं किनारे, ऑन दोज प्लेसेस देर आर वेजिटेटिव बर्ड्स, वो वेजिटेटिव बर्ड्स की ग्रोथ होती रहती है। और अगर इफ लीफ और बर्ड, अगर या तो ये पत्ती जो ब्रायोफिलम की जिस पत्ती पे खूब सारी बर्ड्स हैं, या तो ये पत्ती गिर जाए या फिर जो बर्ड्स हैं वो गिर जाए ऑन द सोइल, जमीन पे गिर जाए, और सोइल कैसी हो, मॉइस्ट, मॉइस्ट मतलब गीली, मतलब वाटर का कंटेंट हो। ड्राई सोइल पे गिरेगा तो डेफिनेट उसका जर्मिनेशन नहीं होगा ना। तो मॉइस्ट सोइल पे अगर गिर जाएगा, या तो लीफ गिर जाएगी या बर्ड्स गिर जाती हैं, तो क्या होगा, ग्रोज इनटू ए न्यू प्लांट। तो एक नया प्लांट बन जाएगा, किसका, ब्रायोफिलम का, क्योंकि पत्ती ब्रायोफिलम की है ना। ओके, तो इस तरह से लीफ के द्वारा नया प्लांट बन जाता है, ये भी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का एक एग्जांपल हो गया। थर्ड मेथड है दैट इज बाय रूट्स। रूट भी नया प्लांट बना सकती हैं, सीड की जरूरत नहीं है। अब हम लीफ की बात नहीं कर रहे, अब हम रूट की बात, कि रूट से ही नया प्लांट बन जाए, कि रूट से जर्मिनेट होकर नया प्लांट बन जाए, तो दैट इज पॉसिबल ऑल्सो। हमने अभी जब स्टेम के बारे में बात की थी, स्टेम में हमने बात की पोटेटो के बारे में, तो आपको क्लास 6 में हम बात कर चुके हैं कि स्टेम एक्चुअली अंडरग्राउंड स्टेम भी होते हैं, जैसे पोटेटो एक अंडरग्राउंड स्टेम है। तो पोटेटो में, जिंजर में और टर्मरिक में, ये तीनों तरह क्या है, अंडरग्राउंड स्टेम्स हैं, जो कि ट्यूबर्स के फॉर्म में है, जिनमें फूड है ट्यूब के फॉर्म में इकट्ठा होता है। रेडिश नहीं है, रेडिश एक रूट है, क्योंकि उसमें नोड नहीं होते, लेकिन जो स्टेम के फॉर्म में जो भी प्लांट होता है,
स्टेम, प्लांट का जो स्टेम है उसमें क्या होते हैं, नोड्स एंड इंटरनोड होते हैं, तो उसी को स्टेम बोलेंगे। और पोटेटो में क्योंकि हमने बात की उसमें नोड है किसके फॉर्म में, आई के फॉर्म में हमने बात की, पोटेटो में क्या है, आईज, तो आईज क्या है एक्चुअली, नोड्स हैं उसके, तो नोड जिसमें होगी वो स्टेम होगा या ब्रांच होगी। तो पोटेटो क्या है, स्टेम है लेकिन वो अंडरग्राउंड है, वैसे ही टर्मरिक हल्दी भी, वैसे ही जिंजर भी एक अंडरग्राउंड स्टेम है। अब हम बात कर रहे हैं रूट्स के बारे में, तो रूट्स तो एक्चुअली अंडरग्राउंड ही होती हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स की रूट्स ऐसी होती हैं जो कि ट्यूबर होती है, ट्यूब के फॉर्म में होती है, उनमें भी फूड स्टोर होता है, जैसे कि पोटेटो में स्टेम होता है लेकिन वो जो रूट्स है उनमें भी फूड स्टोर होता है। तो इसके दो एग्जाम्पल्स हैं, ट्यूबरस रूट्स ऑफ किसकी, एक तो डहेलिया, डहेलिया के फ्लावर्स बहुत सुंदर होते हैं, मैंने अपनी लाइफ में शायद 2 बार देखे ओनली, एक बार एक नर्सरी में देखा था और एक बार मैं कहीं कोई टूरिस्ट डेस्टिनेशन था वहां पर मैंने देखे थे, तो बहुत सुंदर फ्लावर्स हैं, शायद आपने देखे हो डेफिनेटली। डहेलिया एंड स्वीट पोटेटो, स्वीट पोटेटो सबने खाया है, इसको रतालू बोलते हैं, शकरकंद बोलते हैं, तो ये शकरकंद जो है स्वीट पोटेटो ये भी, और डहलिया ये भी, इन दोनों की रूट्स कैसी होती है, ट्यूबर्स वाली, स्टोरेज वाली, मोटी ट्यूब्स जैसी, तो उनकी रूट जो ट्यूबर्स हैं उन पर भी क्या होती है, वेजिटेटिव बड्स, पोटेटो की तरह ही, लेकिन ये क्या है, रूट्स हैं, ये वेजिटेटिव बड्स हैं, तो ये रूट्स के ऊपर प्रेजेंट होती हैं, ये नोड नहीं है, तो वेजिटेटिव बड्स हैं, तो इन वेजिटेटिव बड्स की ग्रोथ होती है, तो नया प्लांट बन जाता है, इफ प्लांटेड इन वेजिटेटिव बड्स को वाले पार्ट को, रूट्स को अगर बोया जाता है तो एक नया प्लांट बन जाता है, तो दैट इज बाई द रूट्स। एक स्पेशल नोट है कि कैक्टस में, आपने कैक्टस देखा होगा, कैक्टस CACTUS, जिसमें US लगा है तब तो वह सिंगुलर है, एक कैक्टस, मोर देन वन अगर होगा तो US की जगह पे क्या आ जाएगा, कैपिटल I, हम कैपिटल में लिख रहे हैं एक्चुअली, आप लोगों को अंडरस्टैंड हो प्रॉपरली, कोई लेटर्स मेरी राइटिंग थोड़ा ठीक नहीं है तो इसे कैपिटल में लिखा है, तो कैपिटल अगर US की जगह पर I लगा दिया तो हो गया प्लूरल, एक से ज्यादा जब कैक्टस होंगे तो क्या होगी, कैक्टाई, तो कैक्टाई में कैसे होता है रिप्रोडक्शन, नया प्लांट कैसे बनता है, तो उसमें कितनी अच्छी मेथड है कि अगर उस प्लांट का एक्चुअली हम जब बात करते हैं कैक्टस के बारे में, तो कैक्टस का प्लांट एक्चुअली उन जगहों पे ग्रोथ होती है उसकी ज्यादा जहां पर पानी की बहुत कमी होती है, पानी की कमी है इसका मतलब पानी की कमी उसको सहन करना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा, उसकी डेथ हो जाएगी, तो इसका सामना करने के लिए उसमें क्या होती है, लीव्स या तो होती ही नहीं है, और अगर होती तो बहुत छोटी छोटी होती है या थोन्स में, कांटों में मॉडिफाई हो जाती है, तो जब लीफ नहीं है तो उनका मोस्टली स्टेम, उनकी ब्रांचेस वही लीफ का काम भी करती हैं। तो अगर किसी कैक्टस के प्लांट का स्टेम का पार्ट, ब्रांचेस का पार्ट अगर गिर जाता है तो वही एक नए प्लांट के फॉर्म में डेवलप हो जाता है, एक पार्ट फॉल्स एंड न्यू प्लांट इज ग्रोन। वाओ, आपने भी कभी शायद ऐसा कोई कैक्टाई लगाया हो अपने घर में डेकोरेशन के लिए, सजावट के लिए। ओके, अब हमने वेजिटेटिव प्रोपगेशन की बात कर ली है, अब हम ये बात करेंगे कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन किया जाता है या होता है तो क्या इसके कोई फायदे हैं, एडवांटेजेस हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जिसके बारे में हम बात करेंगे उसके मुकाबले क्या इसमें कोई फायदे हैं, तो एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, इसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो पहला बेनिफिट देखिए, लेस टाइम इन ग्रोथ, इसकी ग्रोथ होने में बड़ा टाइम बहुत कम लगता है, सीड का बात करें जो जर्मिनेट करेंगे, जर्मिनेशन के बाद में इसमें धीरे धीरे इसकी ग्रोथ होगी, यहां पर उतना टाइम इसमें नहीं लगता है, हमने स्टेम की कटिंग लगाई और नया प्लांट रेडी। सेकंड बेनिफिट, बियर फ्लावर्स इसमें आते हैं, बियर में धारण करता है ये प्लांट जो है, इस मेथड के द्वारा जो प्लांट्स होते हैं वो धारण करते हैं फ्लावर्स एंड फ्रूट्स अर्लियर, इनमें फ्लावर्स भी जल्दी आ जाते हैं और फ्रूट्स भी जल्दी, जब ग्रोथ पहले जल्दी होगी तो फ्लावर्स फ्रूट्स भी जल्दी आएंगे। अच्छा, पहले फ्लावर्स आएंगे कि फ्रूट्स आएंगे, पहले फ्लावर्स जाते हैं उसके बाद में, हमने बात की कि उसके बाद में उनसे सीड बनते हैं, फ्रूट बनेगा, तो अर्लियर देन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मुकाबले इनमें फ्रूट्स का डेवलपमेंट भी पहले हो जाता है। और लास्ट बेनिफिट है वो ये है, अब ये बेनिफिट है कि क्या है इसके बारे में बाद में हायर क्लास में बात करते हैं, लेकिन इसका एक एडवांटेज है, न्यू प्लांट्स आर एग्जैक्ट कॉपीज, एग्जैक्ट कॉपी मतलब बिल्कुल हूबहू उसकी नकल, वैसा की वैसा के वैसा क्लोन्स होती हैं ऑफ पैरेंट प्लांट, एग्जैक्ट कॉपी को क्या बोलते हैं एक्चुअली बायोलॉजी में, क्लोन, तो एक वो उसका बिल्कुल वैसे का वैसा ही होता है प्लांट, जिस प्लांट के स्टेम का पार्ट है, जिस प्लांट के लीफ का पार्ट है, और जिस प्लांट की लीफ से बनाया है, जिस प्लांट की रूट से बना नया प्लांट, तो वो जो नया प्लांट जो बन रहा है वो प्लांट अपने पेरेंट प्लांट की बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी है, उसके सारे कैरेक्टर, उसके लक्षण, उसके गुण सारे अपने पेरेंट प्लांट जैसे ही होते हैं। तो ये तीनों के तीनों एडवांटेजेस हैं इसके वेजिटेटिव प्रोपगेशन के। तो यहाँ पे जो फर्स्ट मेथड है
एक्चुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की फर्स्ट मेथड वो कंप्लीट होती है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन वाली। मेथड नंबर टू ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिना बीज के नए ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट, तो उसकी मेथड नंबर टू दैट इज बडिंग, BUDDING। बड हमने फर्स्ट वाली मेथड में पढ़ी है बड, तो बड ये रिप्रोडक्टिव जो मेथड ये वाली, इसमें जो ये वाली जो बड है वो वेजिटेटिव बड नहीं है, ये एक डिफरेंट बड है। वो किस में पाई जाती है, उसके लिए एक एक्टिविटी पहले करेंगे, उसके बाद में हम बात करेंगे क्या हो रहा है। तो ये एक्टिविटी आप अपने घर पे एक्चुअली शुरुआत तो कर सकते हैं, लेकिन ऑब्जर्वेशन वाला जो पार्ट है वो आप अपने घर पर नहीं कर सकते, बिकॉज यू हैव नो माइक्रोस्कोप्स एट योर होम्स, बट इन द लेबोरेटरी डेफिनेटली यू कैन ऑब्जर्व दिस एक्टिविटी। क्या करना है, टेक ए पीस ऑफ यीस्ट केक, यीस्ट से बनाया हुआ केक, या तो वो उसका एक पीस, या फिर यीस्ट पाउडर, वो केक नहीं है तो यीस्ट का पाउडर डेफिनेटली तो कहीं भी किसी बेकरी शॉप पे मिल जाता है, हलवाई के पास मिल जाता है, कन्फेक्शनर के पास यीस्ट पाउडर। नाउ प्लेस इन ए कंटेनर विथ वाटर, तो या तो ये या दिस वन, कहां रखना है, प्लेस इन ए कंटेनर विथ वाटर, एक कंटेनर, एक पॉट, एक बीकर, एक मग, उसमें पानी के साथ इसको रख दिया हमने। एड ए स्पून फुल ऑफ शुगर, अब उसमें हमने एक चम्मच शुगर डाली है और डिजोल्व इट, और उसको डिजोल्व कर दिया है। ओके, अब एक मीठा वाला पानी हो गया तैयार, उसमें रख दिया, डाल दिया हमने यीस्ट का पाउडर। नाउ कीप इन ए वार्म प्लेस फॉर एन आवर, करीबन एक घंटा एटलीस्ट हमें उसको ऐसी जगह पे रखना जहां पर टेम्परेचर ठीक हो, गर्म हो, ठंडा जैसे कि फ्रिज के अंदर नहीं रखना, ठंडी जगह पर नहीं रखना, वी हैव टू कीप इट इन ए वार्म प्लेस। नाउ ऑब्जर्वेशन, आफ्टर एन आवर टेक वन ड्रॉप फ्रॉम इट, उस सॉल्यूशन से, मग में से, बीकर में से वन ड्रॉप लेनी है, उसको स्लाइड पर रखना है, जो कि ग्लास की स्लाइड होती है माइक्रोस्कोप से देखने के लिए, उस पर हमने एक ड्रॉप को रखा, एंड देन वी हैव टू ऑब्जर्व अंडर ए माइक्रोस्कोप, और माइक्रोस्कोप से देखना है कि उसके अंदर हमें क्या नजर आ रहा है। माइक्रोस्कोप से हमें क्या दिखता है उसका एक डायग्राम बनाते हैं। ये एक यीस्ट की सेल है, हमने जो लिया था पाउडर वो एक्चुअली यीस्ट का पाउडर था, उसमें थाउजेंड्स और लैक्स सेल्स थी किसकी, यीस्ट की। तो यीस्ट एक वन सेल का बना हुआ ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो ये एक यीस्ट सेल है, उस यीस्ट सेल का ये न्यूक्लियस है, हमें बाद में लेबल करते हैं इसको। तो इसके बाद में ये हमने डाला, इसके बाद में क्या हुआ, इसके एक तरफ ये हमने बनाया डायग्राम में, लेकिन ये जरूरी नहीं है, एक तरफ जो आउटग्रोथ हो रही है, दिस इज नॉट नेसेसरी दे एक ही तरफ होगी, ये एक से ज्यादा तरफ भी हो सकती है, लेकिन हम थोड़ा सिंपलिसिटी के लिए डायग्राम में एक ही तरफ बना रहे हैं। ये जो आउटग्रोथ हुई इसकी सेल की बाहर वाली मेम्ब्रेन से आउटग्रोथ, इसको बोलते हैं बड, ये एक बड है, अब इस बड की ग्रोथ हो रही है, और जो न्यूक्लियस था ये देखिए न्यूक्लियस, ये भी थोड़ा सा ग्रो कर रहा है। अब सेकंड वाले पार्ट में क्या होगा, इस डायग्राम नेक्स्ट वाले डायग्राम में जो बड है उसका साइज और बढ़ गया है, और जो न्यूक्लियस था वो भी आगे की तरफ जा रहा है उस बड वाले पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में क्या हो सकता है, नेक्स्ट पार्ट में ये हो सकता है, दिस वन, ये तो शुरुआत वाली जो यीस्ट की जो मदर सेल है, पेरेंट सेल, और यहाँ पर इस तरह से ये जो न्यूक्लियस था वो टू पार्ट्स में इस तरह से बढ़ता हुआ दिख रहा है, और इसके ऊपर की तरफ ये जो बड़ बनी है ना, इसके ऊपर की तरफ और बड़ भी नजर आ सकती है, ये बड़ और इसके ऊपर और भी बड़, ओके, और सब में अपना अपना न्यूक्लियस, तो इस तरह से ये न्यूक्लियस अलग हो रहा है। अब क्या होगा नेक्स्ट वाले पार्ट में, क्या होगा, ये यहां से डिटैच हो जाएगी, इसका न्यूक्लियस दो पार्ट्स में बट गया है, तो वो उसमें न्यूक्लियस उसका चला गया, इसका न्यूक्लियस इसके अंदर रह गया, ओके, वो न्यूक्लियस भी टू पार्ट्स में बट गया है, तो इस तरह से नई डॉटर सेल्स बन जाएगी यीस्ट की। हम इसको लेबल कर लेते हैं, ये तो यीस्ट की
एक सिंगल सेल है, इसके अंदर ये क्या है इसका, दैट इज न्यूक्लियस। यहां पर क्या हो रहा है, एक बर्ड वो डेवलप हो रही है, डेवलपिंग बर्ड। यहां इसका न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है तो ये एक नई बर्ड बन जाएगी, तो दिस इज ए न्यू बर्ड। न्यू बर्ड और ये इस तरह से एक चेन बन गई है, तो इसको क्या बोलेंगे, चेन ऑफ बर्ड्स। इन द बिगिनिंग, शुरुआत में एक सिंगल सेल थी यीस्ट की, और यीस्ट एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर, यूनि मीन्स यूनियन, यूनियन का मतलब क्या होता है, वन। तो इसकी बॉडी में केवल एक ही सेल होती है पूरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, हमने अमीबा के बारे में बात की थी उसी तरह से। तो ये नेकेड आई से नहीं देख सकते, वी हैव टू यूज माइक्रोस्कोप फॉर दिस ऑल्सो। तो हम बात कर रहे हैं कि इसकी एक सेल है, तो उसके अंदर शुरुआत में जब उसको न्यूट्रिशन मिलता है ना, न्यूट्रिशन क्या दिया हमने, दिया उसको वाटर प्लस हमने उसको दी थी शुगर, जो कि न्यूट्रिशन, कार्बोहाइड्रेट मिला ना उसको, फूड मिला, तो उसकी ग्रोथ होना शुरू हुई, इसके लिए फेवरेबल कंडीशन थी, उसको खाना मिला, तो फूड लेते ही इसकी ग्रोथ होना शुरू हुई। तो क्या होता है, स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन इज बर्ड। तो ये बल्ब जैसी स्ट्रक्चर इसमें निकलना शुरू हुई, ये वाली जैसे छोटा बल्ब निकल रहा है, सो दैट इज द एक्चुअली बर्ड। तो ये बर्ड निकली है, अब इस बर्ड की क्या होती है, ग्रेजुअली ग्रोज, इसकी साइज धीरे धीरे बढ़ती है, और जब इसकी साइज सफिशियंटली इतनी बड़ी हो जाती है कि वो पेरेंट जो सेल है, एक ही सेल से बनी, तो इसके पेरेंट एक ही, हमने बात की कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पेरेंट एक ही होता है, सेक्सुअल में दो होते हैं मेल और फीमेल, इसमें एक ही है। और खास बात यह है कि यहां पर मदर और फादर दोनों नहीं है, लेकिन फिर भी यहां पर मदर सेल बोलते हैं, पेरेंट सेल का नाम दूसरा नाम मदर सेल भी है। और ये जो नई जो सेल बनती है वो सन सेल, डॉटर सेल तो नहीं है, लेकिन फिर भी उसको डॉटर सेल ही बोलते हैं, वी रिस्पेक्ट आवर मदर सिस्टर्स एक्सेट्रा। तो यहां पर डॉटर सेल और यहां पर मदर सेल, बट ग्रेजुअली ग्रोज, तो बट की ग्रोथ हुई एंड डिटैचेस फ्रॉम पेरेंट सेल, और पेरेंट सेल जो थी मदर सेल थी, उससे जो बर्ड है वो ग्रोथ होने के बाद में अलग हो जाती है, और कई बार एक एक ही तरफ नहीं, अलग अलग जगह डायरेक्शन में इसकी खूब सारी बर्ड्स बन जाती हैं। एक वीडियो मैंने बनाया था इसके लिए, तो आप उस डायग्राम में देख, उसमें जो मैंने उसका क्लिक किया है फोटोग्राफ माइक्रोस्कोप का, यू कैन सी इन दैट वीडियो कि एक ही तरफ नहीं, बहुत सारी अलग अलग तरफ खूब सारी बर्ड्स बन जाती हैं। तो चेन ऑफ बर्ड नजर आती है, एज द न्यू यीस्ट डेवलप्स चेन ऑफ बर्ड्स इज ऑल्सो सीन। तो एक जो बर्ड बन रही है उसके ऊपर दूसरी छोटी छोटी और बर्ड्स भी बन रही हैं, तो चेन ऑफ बर्ड्स, दिस इज द मेथड ऑफ बडिंग इन यीस्ट। नेक्स्ट मेथड इज थर्ड मेथड, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन किससे बना है, फ्रेगमेंट, इससे, फ्रेगमेंट में एशन जुड़ गया, फ्रेगमेंट मतलब टुकड़ा, पार्ट्स, तो टुकड़ों के द्वारा टुकड़े हो गए और नए ऑर्गेनिज्म बन गए, तो रिप्रोडक्शन हो गया। तो इसमें भी किसी मेल और फीमेल की जरूरत नहीं पड़ी ना, हमने बात की फ्लावर मेल पार्ट फीमेल पार्ट, तो इसकी जरूरत नहीं है, सिंगल पेरेंट ही नया रिप्रोडक्शन कर सकता है, नया ऑर्गेनिज्म बना सकता है। तो स्लाइमी ग्रीन पैचेस, स्लाइम मतलब चिपचिपे, स्टिकी, चिपचिप, चिकने, ग्रीन पैचेस, हरे हरे धब्बे, पैचेस इन पॉन्ड्स और स्टैग, पॉन्ड मतलब तालाब, स्टैग्नेंट वाटर बॉडीज, स्टैग्नेंट वाटर बॉडी का मतलब ऐसी वाटर बॉडी जिसका पानी एक जगह रुका हुआ है। अक्सर आपने इन द पॉन्ड्स, आपके कॉलोनी के आसपास, आपके घरों के आसपास अगर कुछ पॉन्ड्स ऐसे जिनका पानी रुका हुआ है एक जगह पर, या सपोज जो ड्रेनेज लाइन है, नालियां, द वाटर इज स्टैग्नेंट, यानी फ्लो नहीं कर रहा, रुका हुआ है या धीरे धीरे चल रहा है, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर आपने ऐसे स्लाइमी ग्रीन पैचेस देखे होंगे। तो वो स्लाइमी ग्रीन पैचेस एक्चुअली किसके हैं, वो है एल्गी के। एल्गी हम ऑलरेडी उसके बारे में बात कर चुके हैं, जो कि अपना फूड खुद बना सकती है, लेकिन उसको क्या चाहिए, वाटर चाहिए उसको, क्योंकि उसके एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी अच्छी नहीं होती है, वाटर चाहिए और मिनरल सॉल्ट चाहिए, मतलब न्यूट्रिएंट चाहिए, बाकी अपना फूड तो वो खुद बना लेती है। तो रैपिड ग्रोथ बाई वाटर एंड न्यूट्रिएंट, तो वाटर में है वो, और वाटर मिलेगा उसको, न्यूट्रिएंट मिलेंगे, तो उनकी खूब अच्छी ग्रोथ होगी, और ग्रोथ होने के साथ में रिप्रोडक्शन भी होगा, नंबर भी बढ़ेगा, मल्टीप्लाई होगा। जैसे हमने बात की अभी थोड़ी देर पहले यीस्ट के बारे में, कि कुछ घंटों में ही उसका नंबर बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई हो जाता है, उसी तरह से इसमें फ्रेगमेंटेशन में, इसमें भी काफी जल्दी
रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन यहाँ मेथड कौन सी है, फ्रेगमेंटेशन, जो जो फाइबर्स हैं एल्गी के एक्चुअली फाइबर्स होते हैं, तो वो फाइबर टूट जाते हैं, तो मेथड इज रिप्रोड्यूसेस बाई फ्रेगमेंटेशन। तो इस तरह से एक एल्गा, ये आप देखो इसमें क्या दिख रहा है, दैट इज ग्रीन कलर्ड पिगमेंट दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इन एल्गा, दैट इज क्लोरोफिल। आपको शायद याद आया इसका नाम, दैट इज क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ओके। तो एक एल्गा, वो एक जो था शुरुआत में, वो दो पार्ट्स में अगर बंट गया, दो फ्रेगमेंट्स में टूट गया, तो दो एल्गी बन गए। अगर दो से ज्यादा में, तो तीन एल्गी, चार एल्गी, ऐसा बन सकता है। तो यानी एल्गा ब्रेक्स इनटू टू और मोर फ्रेगमेंट्स, दो या दो से ज्यादा फ्रेगमेंट में टूट जाता है। इसके पीछे कारण हो सकता है पानी का करंट, पानी करंट मतलब पानी की धारा, पानी जो बह रहा है किसी कारण से, उसमें वेव्स बन रही हैं, हवा के कारण वेव्स बन रही है, तो उसके कारण वो टूट जाता है। ईच फ्रेगमेंट, और जो हर एक जो फ्रेगमेंट अलग हुआ टुकड़ा, ग्रोज इनटू ए न्यू एल्गा, वो एक नया एल्गा बन गया। वाओ, एंटायर वाटर बॉडी इज कवर्ड बाय एल्गी इन वेरी शॉर्ट पीरियड, और बहुत कम टाइम में, जैसे कि हमने यीस्ट के बारे में बात की, बहुत कम समय में, 1 घंटे में ही हो जाता है। इसमें 1 घंटा तो नहीं, थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, कुछ दिन लगते हैं इसमें। विद इन सम डेज, कुछ दिनों में वो वाटर बॉडी, वो तालाब है पूरा पूरा ग्रीन कवर से पूरा ढक जाता है। वो ग्रीन कवर किसका है, वो एल्गी का है। सो द मेथड इज फ्रेगमेंटेशन। डायग्राम देखकर कुछ याद है, हमने चैप्टर 1 में बात की थी सेप्टोट्रॉफ्स के बारे में, फंजाई के बारे में। तुमने बात की फंजाई एक्चुअली ब्रेड के बारे में बात की थी, कि ब्रेड अगर गीली ब्रेड हो, तो अगर ओपन रखी है, टेम्परेचर ज्यादा है, तो वो सड़ जाती है। तो वो ब्रेड सड़ जाती है, उसके ऊपर जो पाउडर दिखता है हमें, वो पाउडर ब्राउन कलर का, ग्रीन का धब्बा बन जाता है उस पर, डार्क कलर का, तो जिससे कि उसमें खट्टी स्मेल आने लगती है, मतलब ब्रेड खराब हो गई है। तो वो खराब करने वाले कौन होते हैं, फंजाई होते हैं। तो फंजाई में ऐसा क्या हो गया, तो वो जो स्ट्रक्चर थी उसको तुमने माइक्रोस्कोप से देखने की बात तब बोली थी, वो उसके अंदर ब्रेड में होता क्या है, एक्चुअली ब्रेड इतनी छोटी सी हो रही है, इतनी बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर नहीं होती है रियल में, आपको केवल एक्सप्लेन करने के लिए बनाया मैंने, वरना तो पाउडर के रूप में होता है, दिखता नहीं इतना, वरना इतनी बड़ी बड़ी ब्रेड के अंदर इतना बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर देखकर डर जाएंगे, ये क्या बना दिया सर ने, एक्चुअली ब्रेड का साइज इतना था और ये इससे बड़े हो गए, नहीं, ब्रेड के ऊपर क्यों पाउडर की तरह की स्ट्रक्चर होती है, तो उसको एक्सप्लेन कर लेंगे। मैंने बताया क्या कि वो जो पाउडर तरह की स्ट्रक्चर है, वो एक्चुअली उसके अंदर की तरफ ऐसे स्टॉक जैसी स्ट्रक्चर भी बनी होती है, और ब्रेड के अंदर की तरफ जो हमें नजर नहीं आता, अगर उसको तोड़ के देखा जाए, माइक्रोस्कोप से देखेंगे, तो उसके अंदर फाइबर जैसी स्ट्रक्चर, रेशे जैसी स्ट्रक्चर नजर आएंगी। वो रेशे जैसी स्ट्रक्चर, फाइबर जैसी स्ट्रक्चर, उसका एक का नाम है हाइफा, और सबका मिलाकर नाम है माइसीलियम, जो जाल फैला हुआ है, ये ब्रेड की स्लाइस, और इस हाइफा से ऊपर की तरफ स्टॉक निकलते हैं, वो स्टॉक एक्चुअली क्या है, उसका नाम है स्पोरेंजियोफोर। पर वो स्पोरेंजियोफोर के ऊपर क्या होती है, सैक लाइक स्ट्रक्चर, बोरी जैसी गोल मटोल स्ट्रक्चर, उसके अंदर बनते हैं खूब सारे स्पोर्स, वो अंदर की तरफ क्या है, स्पोर्स भरे हुए हैं, और जो सैक लाइक स्ट्रक्चर, गोल मटोल स्ट्रक्चर है, उसका नाम है स्पोरेंजियम। एक है तो स्पोरेंजियम, और प्लूरल हो तो क्या जाएगा, स्पोरेंजिया, यूएम की जगह पे आई हो जाएगा, तो स्पोरेंजिया। तो ये तीन है, इसका मतलब स्पोरेंजिया, एक अकेली तो स्पोरेंजियम। तो ये स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स प्रोड्यूस बनते हैं, और जब वो स्पोर्स पक जाते हैं, मेच्योर हो जाते हैं, तो
तो क्या होगा, स्पोरिन के अंदर की दीवारों के ऊपर क्या पड़ेगा, प्रेशर, जिसके कारण स्पोरेंजियम की जो वॉल है वो फट जाएगी। फटने से क्या होगा, स्पोर्स देयर विल बी फ्री इन द एयर, वो स्पोर्स फ्री हो जाएंगे एयर में, और फिर उनको कहीं पर ऐसी कोई ब्रेड मिलेगी गीली, या कुछ और मिलेगा, कुछ स्वीट मिलेगा, क्योंकि वो अपना फूड खुद बना नहीं सकते, उनको डिपेंड होना था दूसरों के ऊपर। तो ये स्पोर्स के द्वारा वहां पर वो फिर से जर्मिनेशन हो जाएगा और फिर से नए खूब सारे फंजाई बन जाएंगे। एक्सपेंड किया हुआ ए मॉइस्ट स्लाइस ऑफ ब्रेड गेट्स स्पॉइल्ड, खराब हो जाती है ब्रेड अगर वो कैसी है, मॉइस्ट गीली ब्रेड है तो। और ब्रेड स्लाइस क्यों, क्योंकि उसमें तो फूड है और फंजाई अपना फूड बना नहीं सकते, वो एब्जॉर्ब तो कर सकते हैं, तो गीली ब्रेड तो उनको मिल गई, फूड भी मिल गया, वाटर भी मिल गया कंटेंट भी, तो सड़ी गली डिकेइंग सड़ रही चीजों को उन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया। ब्रेड मोल्ड ग्रोज बाई स्पोर्स प्रेजेंट इन एयर, तो ब्रेड पे उगने वाली जो फंजाई है ना, इसका एक्चुअली ना इस फंगस का नाम क्या है, ब्रेड मोल्ड, ब्रेड पे लगने वाला मोल्ड, MOULD। तो ब्रेड मोल्ड ग्रोज बाई स्पोर्स प्रेजेंट इन एयर, तो ये स्पोर्स कहाँ होते हैं, एयर में, जब ये स्पोरिजियम फटेगी तो एयर में चले जाएंगे ना, तो वो स्पोर्स एयर से जहां पर अभी उनको सुटेबल कंडीशन मिली, फूड मिला, ये वाली कंडीशन में सड़ रहा वाला गीला वाला सॉफ्ट सा, तो वहां पर उनकी ग्रोथ हो जाती है। फ्रीड स्पोर्स फ्लोट इन एयर, जब वो फ्री आते हैं तो कहाँ फ्लोट करते हैं, तैरते हैं इन द एयर, और एयर में घूमते रहते, जहां उनको मिल गया ठिकाना वहीं उन्होंने अपना ठिकाना बना लिया। ये जो स्पोर्ट्स हैं उनके बारे में कुछ खास बातें, यूनिसेल्युलर होते हैं, वाओ, ये जो एक है ना स्पोर वो एक ही सेल का है, वो नजर तो हमें क्या आता है पाउडर के रूप में, ये छोटी छोटी स्पोरेंजिया जो दिखती है हमें उनके अंदर होते हैं स्पोर्स, वो एक स्पोर एक सेल का बना, यूनिसेल्युलर। दूसरी बात, वो लाइट है, डेफिनेटली हल्का ही होगा वो, इसलिए वो एक जगह से दूसरी जगह एयर के थ्रू चले जाता है। अब ये स्पोर्स क्या है, हमने जैसे बात की स्टेम के बारे में, कटिंग के द्वारा नया प्लांट बन जाता है, लीफ के द्वारा बात की वेजिटेटिव बड के बारे में, तो वो रिप्रोडक्शन करने के लिए उनमें लीफ है, स्टेम है, हमने रूट के बारे में बात की। इसमें क्या है, ये जो स्पोर्स हैं फंगस में, जो स्पोर्स हैं वो स्पोर्स ही क्या है, रिप्रोडक्शन करने वाली बॉडी, तो स्पोर्स का क्या बोलते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडी, मतलब फंजाई में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए जो स्ट्रक्चर है, जो बॉडी है, वो का उसका नाम क्या है, स्पोर्स। इसको आपको याद रखना चाहिए, क्या स्पोर्स क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडी है, इसके अंदर स्पोर्स ही हैं जिनके द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ये स्पोर्स हैं सिंगल सेल के बने थे पहली बार, अब वो एयर में फ्री हो जाते हैं, वे ढूंढते रहते हैं उनको फूड कहाँ मिलेगा, उनकी वाला उनकी जरूरत के हिसाब से, मॉइस्ट वाला सड़ा हुआ सड़ रहा सॉफ्ट वाला फूड कहाँ मिलेगा, तो ढूंढते रहते, मान लो नहीं मिला तो क्या होगा, तो दुनिया के सारे स्पोर्ट्स, दुनिया में जितने भी फंजाई हैं उनके सबके स्पोर्ट्स मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, आपने देखा है आपके घरों में जो गेहूं या चावल या दा जो चना है कुछ भी रखा है, फूड ग्रेन अगर रखा हुआ है तो क्या वो अपने आप ही उग जाता है, क्या नहीं उगता, तो फिर उसको जर्मिनेट करने के लिए क्या चाहिए, सुटेबल कंडीशन चाहिए। कई बार क्या होता है, अपने घर में रखा हुआ पोटेटो उग जाता है, ऐसा क्या हुआ, मतलब उसकी सुटेबल कंडीशन मिल गई, उसको टेम्परेचर वगैरह ठीक मिल गया, मॉइस्चर मिला वहां पर, या आपके घर में रखा हुआ ऑनियन प्याज वो वहीं पर ग्रोथ करने लग जाता है, क्यों, मतलब उसको वहां पर मॉइस्चर मिला, गीला हुआ होगा, तो उसका जर्मिनेशन वहीं शुरू हो जाता है। तो इस तरह से जब तक किसी सीड को, बीज की बात करें, बीज लेकिन एक सेल का नहीं होता है, वो तो मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर, हम एक बीज को अपने हाथ में रख सकते हैं, देख सकते हैं, पकड़ सकते हैं, लेकिन ये स्पोर को नहीं देख सकते। तो सीड या स्पोर दोनों के बारे में एक खास बात क्या, कि जब तक उनको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलेंगी, फेवरेबल कंडीशन मतलब उनके अकॉर्डिंग उनको टेम्परेचर और वाटर की कंडीशन, तो जब तक नहीं मिलेगी तब तक उनका जर्मिनेशन नहीं होगा। तो देखिए, और तब तक बचा के कौन रखेगा उनको, वरना वो तो बस प्लांट से निकले, गिरे फ्रूट से गिरे और जर्मिनेट हो गए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कब होंगे, क्यों नहीं होते, पहली बात, जर्मिनेट कवर्ड बाई हार्ड कोट या कवर, उनके चारों तरफ हार्ड कोट, जैसे आपने सीड देखा कोई भी बीज, उसके ऊपर हार्ड कोट होता है, अंदर की तरफ क्या होता है हम बात करेंगे नेक्स्ट वाली मेथड में। तो हार्ड कोट से कवर होती है, स्पोर भी उनके चारों तरफ हार्ड कोट है, कवर है, तो ये क्या बता रहा है, बचाता है इनको, सेव्स फ्रॉम, ये जो हार्ड कोट है इनको बचाता है, सुरक्षित रखता है जब तक कि अच्छी कंडीशन नहीं मिलती। किससे बचाता है, हाई टेम्परेचर, ज्यादा टेम्परेचर हाई होगा तो नष्ट ना हो जाए, लो ह्यूमिडिटी, पानी कम है, क्योंकि इनको तो पानी चाहिए ना वो किसी चीज को सड़ाने के लिए, उससे एब्जॉर्ब करने के लिए, अगर लो ह्यूमिडिटी है, अगर अगर पानी की क्वांटिटी कमी है या टेम्परेचर ज्यादा है, दोनों की दोनों कंडीशन इनके खिलाफ हैं, तो ये दोनों कंडीशन क्या है, अनफेवरेबल कंडीशंस,
इनके लिए वो फेवरेबल कंडीशन है। अनफेवरेबल का मतलब क्या, अन का मतलब नॉट, फेवरेबल मतलब उनके पक्ष वाली, तो उनके पक्ष वाली उनके फायदे वाली चीज नहीं है ये दोनों चीजें, ये इनके दुश्मन है। हाई टेम्परेचर एंड लो ह्यूमिडिटी इनके दुश्मन है। अगर ये कंडीशन होगी तो ये स्पोर्ट्स नष्ट हो जाएंगे, दे विल बी स्पॉइल्ड, खत्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। इसका मतलब ये कंडीशन से बचाने के लिए उनके पास एक सेफ तरीका है, वो क्या है, उनका कवर्ड बाई हार्ड कोर्ट, उनका कवर है वो हार्ड है, वो बचाता है। अच्छा, तो इन फेवरेबल कंडीशन, जब फेवरेबल कंडीशन इनको मिलेगी तो वो क्या होगी, उनका टेम्परेचर लो होगा उनके लिए और पानी की क्वांटिटी ज्यादा होगी, तो दोनों कंडीशन उनके लिए फेवरेबल होगी। तब क्या होगा, स्पोर्ट्स होंगे जर्मिनेट, जैसे कि सीड जर्मिनेट होते जब उनको पानी मिलता है, और नया फंगस बन जाएगा। इस तरह से उनको ब्रेड मिली कहीं पर और नया फंगस वहां बन गया, या फंजाई बन गए खूब सारे। जो दूसरा एग्जाम्पल है वो है मोस एंड फर्न, फंजाई की तरह ही इनमें भी होता है स्पोर के द्वारा फॉर्मेशन, मतलब इनमें भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडी, फर्न में भी मोस में भी क्या होती है, स्पोर्स ही होती है। लेकिन एक डिफरेंस है, डिफरेंस ये है कि हमने इसमें बात की कि स्पोर्स किसके अंदर प्रेजेंट है, स्पोरेंजियम के अंदर, लेकिन फर्न्स में और मोस में उस स्ट्रक्चर का नाम स्पोरेंजियम नहीं है जिसमें स्पोर्स होते हैं, उसका नाम क्या है, सोरस, SORUS, और यूएस को हटा के अगर आई लग जाएगा तो सोराई वर्ड बन जाएगा, तो सोरस इज अ सिंगुलर वर्ड, सोराई इज द प्लूरल। इसका मतलब सोरस एक स्ट्रक्चर जिसमें स्पोर्स हैं, और एक से ज्यादा जब सोरस होंगे तो क्या कहलाएंगे, सोराई। तो सोराई के अंदर स्पोर्स होते हैं, उसी तरह से वो भी सोराई फटेंगी, कब, जब उनके अंदर स्पोर्स पक जाएंगे और दे विल बी फ्री इन द एयर, वो भी ढूंढेंगे नए ठिकाने, नए शिकार, उसके बाद में उनकी ग्रोथ हो जाएगी बाय द स्पोर फॉर्मेशन अगेन। तो दिस वाज द फोर्थ मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इस तरह से अब तक चारों मेथड कंप्लीट हो गई है, चैप्टर का फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की चारों मेथड। नाउ वी विल टॉक अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्लावर के चार वर्ल्स होते हैं, चार चक्र होते हैं, एज वी टॉक्ड अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर इन क्लास सिक्स, रिपीट कर रहे हैं एक बार फिर से। हम फ्लावर के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सीड के द्वारा नया प्लांट बनने वाली बात कर रहे हैं। और हमने ये बात की थी कि जो प्लांट का डेवलपमेंट जब होता है, तो शुरुआत में रूट, स्टेम, लीव का डेवलपमेंट होता है, लेकिन एक सर्टेन एज के बाद में किसका डेवलपमेंट होता है, फ्लावर का। तो फ्लावर क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट, तो रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर, उस फ्लावर के बारे में बात कर रहे हैं। और फिर इसके बाद में इससे बीज कैसे बनता है, सीड का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले इसका डायग्राम अंडरस्टैंड करते हैं हम लोग। चार चक्र होते हैं, बाहर से अंदर की तरफ, बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे। तो सबसे बाहर की तरफ फ्लावर की जो स्ट्रक्चर होती है, ये वाली जो छोटी छोटी ग्रीन कलर की लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है, लीव्स नहीं होती है, दीज आर सेपल्स, SEPAL, ये फर्स्ट वर्ल है। उसके बाद में अंदर की तरफ, सेपल से अंदर की तरफ बड़ी बड़ी और कलरफुल स्ट्रक्चर्स, जिनके कारण हम फूलों को देखते हैं, वाओ रेड रोज, तो वो अलग अलग कलर के जो फ्लावर्स का कलर नजर आता है, दूसरे देखते ही हम लोग पहचान जाते हैं दिस इज द दैट फ्लावर। तो वो है पेटल, एक पेटल ज्यादा पेटल्स, तो ये पेटल्स का भी एक चक्र होता है, सेकेंड वाला वर्ल हो गया। अब थर्ड वर्ल अंदर जाते हैं, तो अंदर की तरफ ये वाली स्ट्रक्चर जिसमें ऊपर की तरफ एंथर, उसके बाद उस एंथर के अंदर है पोलर ग्रेन्स खूब सारे, नीचे की तरफ उसका एक स्टॉक की स्ट्रक्चर है, इसका नाम है फिलामेंट। इन तीनों को मिलाकर इसका नाम होता है STAMEN, स्टैमन। ये है स्टैमन, इसमें दो ही पार्ट है, सेकेंड वाला जो है एंथर के अंदर जो पोलन ग्रेन्स है वो उसके अंदर ही है, तो दो पार्ट से मिलकर बना स्टेमन, एंथर और
उसका फिलामेंट, फिलामेंट किस काम आ रहा है, उसको अटैच करने के काम आ रहा है, किससे, फ्लावर से, और उसको न्यूट्रिशन पहुंचाने का काम, क्योंकि जो लीव्स फूड बनाएंगी वो यहाँ से होते हुए इसके अंदर आएगा, यहाँ से उसके अंदर आएगा फूड, तो फूड पहुंचाने के लिए। तो ये वाला पार्ट, थर्ड वाला पार्ट जो कि स्टैमेन है, स्टैमेन के बारे में थोड़ी बात बाद में करते हैं। उसके बाद में लास्ट वर्ल, चौथा और अंतिम चक्र जो सबसे अंदर की तरफ है, इनर मोस्ट है, वो है ये वाला पार्ट, बीच वाला। इसमें सबसे ऊपर की तरफ एक रिसेप्टिकल लाइक स्ट्रक्चर है, एक बाउल लाइक कटोरी जैसी स्ट्रक्चर, इसका नाम स्टिग्मा। उसके बाद वहां से लेके नीचे तक एक ट्यूब आई हुई है, ये यहाँ पर ट्यूब नहीं है, वो सॉलिड है, वो टिश्यू से भरा हुआ है ये, लेकिन ये यहाँ पे खोखला है। दिस इज द होलो स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज स्टाइल। वाओ, ये स्टाइल से रहता है फ्लावर, फ्लावर में भी स्टाइल है, कलर तो होता ही, स्टाइल भी है। तो दिस इज द स्टाइल, और नीचे स्टाइल किससे कनेक्ट करती है स्टिग्मा को, एक फूली हुई स्ट्रक्चर है बड़ी, जस्ट लाइक ए पिक्चर, घड़े जैसी स्ट्रक्चर, तो उसका नाम है ओवरी। ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल, इन तीनों को मिलाकर एक नाम दिया गया है जो अंतिम चक्र है, उसका नाम है PISTIL, स्टिल। तो फ्लावर की चार वर्ल्स हो गए स्टिल में। अच्छा, तो खास बात यह है कि जो स्टैमेन है, हमने उसकी बात की, ये स्टैमेन है प्लांट का मेल, फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फ्लावर एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है, लेकिन इस फ्लावर में भी दो पार्ट्स होते हैं, एक मेल दूसरा फीमेल, क्योंकि हम बात करें कि दो पेरेंट्स की जरूरत पड़ती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। एसेक्सुअल में जो चार मेथड्स हमने पढ़ी उसमें मेल फीमेल का कोई चक्कर ही नहीं था, ओनली सिंगल पेरेंट वाज एबल टू प्रोड्यूस द नेक्स्ट इंडिविजुअल, बट इन द केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द नीड ऑफ बोथ पेरेंट्स इज रिक्वायर्ड। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट वो है किससे बना हुआ, एंथर से और फिलामेंट से, एंथर और फिलामेंट, उसके अंदर एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं। और दूसरा पिस्टिल जो सबसे अंदर की तरफ है, ये पिस्टिल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया। तो मेल पार्ट है स्टैमन, फीमेल वाला पार्ट कौन सा है, पिस्टिल। याद रखने के लिए स्टैमन में क्या है, MEN, मैन, मेल वाला पार्ट, पुरुष वाला, फीमेल वाला पार्ट पिस्टिल। तो ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये तीन से मिलकर बना है, बाकी स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का, फ्लावर, एक्चुअली फ्लावर्स की हमने अभी जो बात की ना, चार वॉल्स हैं, जो अंदर वाले दो वॉल्स हैं, एक तो स्टामन और दूसरा वाला लास्ट वाला अंदर वाला पिस्टिल, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इन दोनों के बारे में खास बात ये है कि हमने तो एक ही फिगर में, एक ही स्ट्रक्चर में दोनों को बनाया, लेकिन सभी फ्लावर्स ऐसे नहीं होते। कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनमें इन दोनों में से, पिस्टिल या स्टैमन, दोनों में से केवल एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ओके, तो अगर ऐसा कोई फ्लावर है उसको क्या बोलेंगे, क्योंकि हमने बात की कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल दोनों सेक्सेस प्रेजेंट होते हैं, तो दोनों का होना जरूरी है। लेकिन अगर फ्लावर ऐसा है जिसमें या तो मेल वाला सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट है या फीमेल वाला है, तो एक ही सेक्स वाला, इसका मतलब उसको क्या बोलेंगे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ओके, अगर दोनों प्रेजेंट है एक ही फ्लावर में, मेल और फीमेल दोनों के दोनों सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट, स्टैमेन भी है और पिस्टिल भी है, अगर दोनों प्रेजेंट है तब तो उसको क्या बोलेंगे, बाईसेक्सुअल। बाई मतलब टू, BI, बाई मीन्स टू, यूनिक मतलब वन, यूनिसेक्सुअल का मतलब जिसमें या तो पिस्टिल है या फिर स्टैमेन है, और अगर दोनों के दोनों एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है, पिस्टिल भी है उसी में और उसी में स्टैमेन भी है, तब उस फ्लावर को बोलेंगे बाईसेक्सुअल, अदरवाइज यूनिसेक्सुअल। तो यूनिसेक्सुअल जो फ्लावर्स हैं उसके एग्जाम्पल्स की अगर बात करें तो पपाया, कुकुम्बर, कोकोनट, ये एग्जाम्पल्स हैं, कॉर्न, ये एग्जाम्पल्स हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स के। और जब हम बाइसेक्सुअल की बात करें तो ज्यादातर फ्लावर्स कैसे होते हैं, बाइसेक्सुअल, एक ही फ्लावर में उसके दोनों पार्ट प्रेजेंट है, मेल और फीमेल दोनों के दोनों। तो जैसे कि हम बात करें रोज, चाइना रोज, पिटूनिया, तो ज्यादातर फ्लावर्स कैसे होते हैं जिनमें दोनों के दोनों मेल और फीमेल सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होते हैं। तो इस बेसिस पे फ्लावर्स दो तरह के, यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल।
सो नाउ वी विल टॉक अबाउट दैट दो जो सेक्सुअल ऑर्गन है मेल और फीमेल दोनों के बारे में थोड़ी डिटेल्स में बात करेंगे। ये स्टैमन है जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसमें दो स्ट्रक्चर होती है एंथर और फिलामेंट। एंथर ऊपर की तरफ स्ट्रक्चर होती है, उसके अंदर जब उसका डेवलपमेंट होता है उसके अंदर बहुत सारी पोलन ग्रेन नाम की स्ट्रक्चर बनती है। ये पोलन ग्रेन्स हर एक पोलन ग्रेन एक सिंगल सेल का होता है। उस पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर आपको थोड़ी बताएं, लेबोरेटरी में जब आप क्लास में होंगे तो आपके टीचर आपको बताएंगे, मैं आपको बताऊंगा जब आप क्लास में आएंगे लेबोरेटरी में पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो पोलन ग्रेन एक्चुअली एक ही सिंगल सेल का बना होता है, सिंगल सेल का, उसके अंदर न्यूक्लियस, उसके अंदर की वॉल, उसके बाहर की वॉल। तो बाहर की वॉल और ये अंदर की वॉल दोनों उसको बचा के रखती है, सुरक्षित रखती है, बचा कर रखती है, जबकि वो फ्री होगा एयर में जाएगा तब। तो जब ये पोलन ग्रेन्स अंदर पक जाते हैं तब तो एंथर की जो लॉब्स है उसके अंदर प्रेशर पड़ता है। जैसे हमने स्पोरेंजियम के बारे में बात की थी कि जब स्पोर्स मैच्योर हो जाते हैं तो स्पोरेंजियम के अंदर की दीवारों को ब्लास्ट कर देते हैं, तोड़ देते हैं, उसी तरह से यहां पर कंडीशन क्या है, एंथर के अंदर जब पोलन ग्रेन्स मैच्योर हो जाते हैं तो वो एंथर की लोब पर प्रेशर पड़ता है, वो स्प्लिट हो जाती है, फट जाती है और पोलन ग्रेन्स फ्री हो जाते हैं एयर में। और नीचे फिलामेंट क्या करता है, ये इसको सप्लाई करता है फूड, न्यूट्रिशन, वाटर एक्सेट्रा। ये तो हो गया स्टेमन जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का। दूसरा बात करें, दूसरी बात करें पिस्टिल के बारे में जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उसमें तीन पार्ट्स हैं, स्टिग्मा। हाँ, आपने देखा कि ये बीच वाला जो इसको फ्लावर से जोड़ता है जो एंथर को, वो खोखला नहीं है, दैट इज नॉट होलो, दैट इज कॉम्पैक्ट सॉलिड है। स्टिग्मा किसमें बात करें, पिस्टिल में, जो ऊपर की तरफ स्ट्रक्चर है कटोरी जैसी स्ट्रक्चर, उसका नाम है स्टिग्मा। उस कटोरी जैसी स्ट्रक्चर को नीचे वाली फूली हुई स्ट्रक्चर से, ओवरी से जो जोड़ने का काम करती है वह है होलो, नाम होलो स्टाइल हम बात करते हैं, खोखली है वो, एक ट्यूब है। इन तीनों को मिलाकर फीमेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट है उसका नाम है पिस्टिल। अब ये जो ओवरी है इसके अंदर क्या होता है, इसके लिए इस ओवरी के दो तरह से सेक्शन काटे जाते हैं, सेक्शन काटे जाते हैं लेबोरेटरी में इसको देखने के लिए। तो अगर एक अगर अगर किसी ऑब्जेक्ट को उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग काटा जाता है, इसे रख दो, ऐसे रख दो, उसकी लंबाई ये है ना इसकी, इसकी अगर हम पेन की बात कर रहे हैं, इसकी लंबाई ये वाली लंबाई, इसको ऐसे रख दो, इसकी लंबाई ये होगी, ठीक है, ये लंबाई। तो लंबाई के अकॉर्डिंग किसी ऑब्जेक्ट को अगर काटा जाता है दो इक्वल पार्ट्स में, तब उसको बोलते हैं एल एस। एल का मतलब लॉन्गिट्यूडिनल, मतलब अकॉर्डिंग टू इट्स लेंथ। हाई क्लास में आप पढ़ेंगे इसका फुल फॉर्म भी, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, मैं भी आपको बता दूं जैसे। तो ऊपर से नीचे की तरफ काटेंगे तो इसके दो हिस्से हो जाएंगे, एक लेफ्ट में एक राइट में। तो जब काटेंगे तो अभी जो मैंने फ्लावर डायग्राम जो बनाया था उसमें मैंने कटा हुआ पार्ट ऐसा कैसा दिखाया था, मतलब आधा वाला पार्ट ही समझिए, काटा इसको यहाँ बीचों बीच काटा, फ्रंट वाला पार्ट मैंने काट कर अलग रख दिया और जो पीछे से नजर आ रहा है वो ऐसा वाला पार्ट। तो इसके अंदर क्या दिख रहे हैं, ओव्यूल्स। ओके, अगर इसका दूसरा अलग तरीके से काटा जाए, मतलब इसकी लंबाई के अकॉर्डिंग नहीं, उसके लंबाई के अगेंस्ट राइट एंगल पे काटा जाए, 90 डिग्री के एंगल पे काटा जाए, तब क्या होगा, देखो इसको ऐसा काटा गया ना, तो ऐसे राइट एंगल पे काटा गया, इसको ऐसा काटा गया तो हमें क्या दिख रहा है, तो ओव्यूल दिख रहे हैं। ओके सॉरी, तो दो ज्यादा ओव्यूल्स। इन ओव्यूल्स के अंदर क्या होता है, एग। मेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है स्टेमन, उसके अंदर एंथर में बनते हैं पोलन ग्रेन्स, वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है इसलिए वो मेल गेमीट कहलाते हैं, गेमीट। ये दोनों ये जो है उनको बोलते हैं मेल गेमीट। यहां पर हम ओव्यूल की बात करेंगे, ओव्यूल के अंदर इसमें क्या होता है, एग, मेल गेमीट, इसकी एक ही सेल होती है, हम बात करेंगे पोलन ग्रेन में एक ही सेल होती है, यूनिसेल्यूलर, यूनिसेल्यूलर। ओव्यूल के अंदर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उस पिस्टिल के ओव्यूल के अंदर उसमें जो एग होता है, यहां पर एग है, ओवम, ओवम या एग। तो वो एग भी एक्चुअली कैसा होता है, यूनिसेल्यूलर, यूनिसेल्यूलर, एक सेल से बना हुआ, सिंगल सेल से बना हुआ। तो ये एग भी यूनिसेल्यूलर है, लेकिन ये क्योंकि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का हिस्सा है इसलिए ये क्या है, ये पोलन ग्रेन क्या होते हैं, मेल गेमीट, वो बहुत सारे बनते हैं, और मेल गेमीट, ये फीमेल गेमीट, ये कम बनते हैं। तो
तो इसका नाम क्या है, फीमेल गेमेट। मेल गैमेट कहां बना, एंथर में, फीमेल गैमेट कहां बना, ओव्यूल में। ओके, तो मेल गैमेट ये भी यूनिसेलुलर, फीमेल गैमेट ये भी यूनिसेलुलर। पोलिनेशन हो गया, उसके बाद में क्या होता है, यहां जो पोलन ग्रेन आए स्टिग्मा पर, एक नहीं ज्यादा आ सकते डेफिनेटली, लेकिन बिकॉज यहां पर न्यूट्रिशन इतना ज्यादा नहीं होता तो केवल एक पोलन ग्रेन सस्टेन कर सकता है, सर्वाइव कर सकता है, बाकी सब पेरिश हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, एक बचता है। तो वो एक पोलन ग्रेन जो बचा उसका होता है जर्मिनेशन स्टार्ट, वो जर्मिनेशन शुरू होता है उसका। पोलन ग्रेन के अंदर कितनी ये होती, कितनी सेल, वन सेल, उसके अंदर न्यूक्लियस भी वन, एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस। तो यहाँ पे पोलन ट्यूब बनती है, पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन हुआ, ट्यूब बनना शुरू होती है, क्योंकि नीचे की तरफ हमने ऑलरेडी बात कर ली है दैट द स्टाइल इज होलो, जो स्टाइल है वो खोखली होती है, ये खोखली स्टाइल है, नकली स्टाइल, रियल स्टाइल है। तो स्टाइल के अंदर से होकर किसकी ग्रोथ होती है, पोलन ग्रेन से निकलने वाली पोलन ट्यूब की, ये पोलन ट्यूब ग्रोथ हो रही है, नीचे की तरफ जा रही है, नीचे की तरफ जाते जाते वो कहाँ पहुँचती है, ओवरी के अंदर, ओवरी में क्या होता है, ओव्यूल, ओव्यूल के पास तक जाके वो उसकी ग्रोथ हो जाती है। अब उसके अंदर से उसका जो न्यूक्लियस है वो फॉल होता है, वो न्यूक्लियस कहाँ जाकर रुकता है, ओव्यूल के एग के पास। ओव्यूल के अंदर क्या होता है, एग, एग क्या है, फीमेल गैमेट। ये फीमेल गैमेट और पोलन ग्रेन के अंदर जो न्यूक्लियस है वो उस एग के न्यूक्लियस के साथ जाकर मिल जाता है। ओके, तो ये प्रोसेस किसके बाद में होती है, पोलिनेशन के बाद में। तो इस प्रोसेस का नाम क्या है जिसमें क्या हुआ, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों फ्यूज हो गए, दोनों मिल गए, इसका नाम है फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन। तो मेल गैमेट कौन होता है, पोलन ग्रेन, फीमेल गैमेट कौन, एग या ओवम। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। तो मेल गैमेट का फीमेल गैमेट के साथ में फ्यूजन हुआ, ओव्यूल के अंदर क्या था, एग, दोनों का फ्यूजन हुआ, इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। पोलन ग्रेन प्लस एग इज इक्वल टू जायगोट बना। मेल गैमेट है ये पोलन ग्रेन, एग है फीमेल गैमेट, ये भी एक सेल का, ये भी एक सेल का, दोनों का फ्यूजन हुआ, जायगोट बना। तो जायगोट में भी एक ही सेल होती है, इसके एक सेल के अंदर की जो न्यूक्लियस, उसके अंदर जो एक सेल है उसकी भी न्यूक्लियस, दोनों का न्यूक्लियस फ्यूज होता है, इसलिए सेल तो एक ही रहती है, जायगोट में भी एक ही सेल है, इन दोनों में ऐसा नहीं कि इसकी एक सेल, सेलों का फ्यूजन, सेल्स का फ्यूजन नहीं होता है। तो फ्यूजन किसका होता है, उनकी न्यूक्लियाई का, न्यूक्लियर मटेरियल का फ्यूजन होता है, इसलिए सेल तो एक ही रहती है, जायगोट में भी एक ही सेल रहती है। और पता है ये जायगोट, ये एक नई लाइफ की बिगिनिंग है, नया जीवन बन चुका है, यहाँ शुरुआत हो गई है। तो नई लाइफ की शुरुआत किससे हुई है, जायगोट से, कितनी सेल्स है, वन सेल। ओके, तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या हुआ, जब ये फर्टिलाइजेशन हो गया मतलब फ्यूजन हो गया मेल फीमेल गैमेट का, तो जैसे फर्टिलाइजेशन होता है इस ओवरी के अंदर, क्योंकि ये फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस चल रही है, बाकी से तो सारे पार्ट्स हैं फ्लावर के, बाकी सारे पार्ट्स हैं, ये वाला ऊपर वाला पार्ट, इसका वो ऊपर वाला पार्ट, मतलब स्टाइल और स्टिग्मा, स्टैमन, पेटल्स, सेपल्स, वो सब गिर जाते हैं। ओवरी डेवलप्स इंटू फ्रूट,
और जब ओवरी है वो क्या बन जाती है, फ्रूट, डेवलप होकर फ्रूट बन जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, फ्रूट क्या है, राइपंड ओवरी। फ्रूट जो बना है वो किससे बना, ओवरी से बना है। तो ओवरी जब पक जाती है तो वो क्या कहलाती है, फ्रूट। वाओ। अदर पार्ट्स ऑफ फ्लावर फॉल ऑफ, बाकी पार्ट्स गिर जाते हैं। ओव्यूल डेवलप्स इनटू सीड्स, जो ओव्यूल था जिसके अंदर फर्टिलाइजिंग की प्रोसेस हुई है, फर्टिलाइजिंग की प्रोसेस किसके अंदर हुई है, ओव्यूल के अंदर। तो वो ओव्यूल है वो क्या बन गया है, सीड बन गया है। और ओव्यूल के अंदर जहां इन दोनों का फ्यूजन हुआ, पोलन ग्रेन का एग के न्यूक्लियस का फ्यूजन हुआ, जायगोट बना, तो वो जायगोट किसके अंदर है, ओव्यूल के अंदर। ओव्यूल क्या बन जाता है, सीड, और सीड के अंदर है जायगोट। ओव्यूल डेवलप्स इनटू सीड। तो जो जायगोट अंदर, जो ओव्यूल के अंदर जायगोट बना है उसका भी डेवलपमेंट होता है, डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो। तो जब भी आप किसी सीड को देखते हो तो उस सीड के अंदर क्या है, जायगोट नहीं है, एम्ब्रियो बन चुका है। जायगोट तो शुरुआत में होता है, वो क्या बन चुका है, एम्ब्रियो बन चुका है। ओके, तो इस तरह से सीड का, फ्रूट्स का ये डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कंप्लीट हो गई है, अब ये सीड्स बन गए। अब सीड्स, अब इस प्लांट के सीड बन गए, जो फ्रूट बना, तो कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो हार्ड होते हैं, जैसे कि वालनट, आलमंड, बादाम। कुछ फ्रूट्स लेकिन ऐसे होते हैं जो बहुत फ्लैशी होते हैं, जिनमें खूब सारा पल्प होता है, एप्पल, मैंगो, पपाया एक्सेट्रा। तो अलग अलग तरह के फ्रूट्स होते हैं, लेकिन इनके सीड्स की बात करें, जो सीड्स हैं वो एक प्लांट के सीड्स अगर यहीं पे गिर जाएं सारे के सारे, अब जब ये फ्रूट पक जाएगा तो अगर किसी ने खा लिया तो वेरी गुड, सीड्स कहीं और ले गया वो बंदा। अगर यहीं गिर गए तो उसके बाद में क्या होगा, उन सीड्स का यहाँ से कहीं और जाना भी जरूरी है क्या, उसके बारे में नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे। फ्रूट बन गया, सीड्स बन गए, लेकिन एक बात सोचिए, अगर वो सीड्स सारे वहीं गिर जाएं उसी प्लांट के नीचे और वहीं उग जाएं, तो क्या होगा, पॉसिबल है, एक्चुअली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो सारे प्लांट अगर वहां पे सपोज जर्मिनेट भी कर जाएंगे, लेकिन उनको वहां पर कॉम्पिटिशन करना पड़ेगा, किसके लिए, फूड के लिए, सनलाइट के लिए, वाटर के लिए, मिनरल्स के लिए, अपने ही दोस्तों से, अपने सेम स्पीसीज वाले प्लांट से उनको स्ट्रगल करना पड़ेगा, कंपटीशन करना पड़ेगा। तो हो सकता है सबकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो, ठीक है। और दूसरी बात, आपने देखा है कि नीम का प्लांट केवल आपके गांव में, आपके शहर में ही नहीं है, दुनिया में और भी बहुत सारे प्लेसेस पर नीम का प्लांट है। इसी तरह से हम सभी और दूसरे प्लांट्स की भी बात करें तो एक ही जगह पर नहीं है, तो ये किसके कारण हो पाया। तो पहली बात, जरूरत है कि इन सीड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाना, जिससे कि वो उनकी प्रॉपरली ग्रोथ हो, कुछ अलग अलग जगहों पे अवेलेबल हो। तो इसको बोलते हैं सीड्स का ट्रांसफर, इसको बोलते हैं सीड डिस्पर्सल, सीड डिस्पर्सल। तो क्वेश्चन क्या है, हाउ सेम काइंड ऑफ प्लांट्स फाउंड इन डिफरेंट प्लेसेस, दुनिया के अलग अलग प्लेसेस पर सेम काइंड, वही प्लांट क्यों पाया जाता है, नीम का यहां पर भी है, मैंगो का वहां पर भी है, मैंगो का यहां पर भी है, तो डिफरेंट प्लेसेस में मैंगो क्यों है, ये प्लांट क्यों है, सीड्स आर दिस कारण है कि सीड्स का डिस्पर्शन हो जाता है, वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। ट्रांसफर ऑफ सीड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज नोन एज सीड डिस्पर्सल, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। ओके, तो जरूरी क्यों है, क्योंकि कॉम्पिटिशन होता है, हमने बात की, एट सम सेम प्लेस कॉम्पिटिशन होता है उनमें, किसके लिए, फॉर वाटर, मिनरल्स, सनलाइट, स्पेस, जगह थोड़ी है, सब सारे के सारे सीड्स का एग्जामिनेशन हो जाता है, हो भी जाता है, तो भी वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, जिंदा नहीं रह पाएंगी। ओके, तो फॉर प्रॉपर ग्रोथ, इनकी सबकी प्रॉपर ग्रोथ हो, ये मिले सबको, ग्रोथ प्रॉपर हो, और फॉर वाइड डिस्ट्रीब्यूशन, और दुनिया में अलग 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 प्लेस पर जाए तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी सब जगह फैले, इसलिए इनका सीड्स का डिस्पर्सल होना जरूरी है। ओके, तो ये कौन करता है, एजेंट्स फॉर सीड डिस्पर्सल, ये एजेंट, अभी हमने थोड़ी पहले बात की पोलिनेशन के एजेंट्स, अब हम बात कर रहे हैं किसके, सीड डिस्पर्सल के एजेंट्स, कौन करता है, ये देखिए एग्जांपल्स के, विंड, वाटर, एनिमल्स, अरे ऑटोमेटिकली। ओके, तो हवा कैसे करती है, हवा उन चीज का डिस्पर्शन करती है जो कि कैसे होते हैं, विंग्ड सीड्स, जिनके पंख लगे होते हैं, बर्ड्स की तरह नहीं, अलग तरह के, एग्जाम्पल देखिए ड्रमस्टिक एंड मैपल, तो इनमें इनके सीड्स कैसे हैं, ड्रमस्टिक के और मैपल के विंग्ड हैं, उनमें पंख हैं, तो इनके कारण उनका उनका तो वजन हो गया हल्का। लाइटर सीड्स पंखों के कारण उड़ जाते हैं, हल्के सीड्स, लाइटर सीड्स ग्रासेस के छोटे छोटे सीड्स होते हैं, वो हल्के होते हैं, तो हवा के साथ उड़ जाते हैं। हेरी सीड्स, वाओ, जिनके बाल हैं ऐसे सीड्स,
आग का आपने देखा भी होगा, आपने उड़ाया भी होगा, आपने ऐसे फूक या आप हथेली में लेकर उसको उड़ाया होगा, आपने अपने क्लासरूम में अपने घर के आसपास उससे खूब खेला भी होगा। तो आग का वो सीड, उसके चारों खूब सारे हेयर होते हैं ना, तो उस हेयर के कारण क्या हो गया है, वो काफी एयर के साथ यहाँ से वहां जा सकता है। अगर उसके बीच वाला जो सीड है हेयर हटा दिया जाए तो वो उड़ पाएगा क्या? नहीं उड़ पाएगा। तो हेयर के कारण वो उड़ पा रहा है आग के मदार का। एंड सनफ्लावर के जो सीड्स होते हैं वो जो बनते हैं वो भी हेयरी होते हैं। नेक्स्ट वाटर, वाटर के थ्रू बहकर चले जाते हैं सीड्स। तो बहकर कौन जाएगा? जो हल्का होगा, जो स्पंजी होगा, जो फाइब्रस होगा। तो फाइब्रस आउटर कोट जिस सीड का होता है, किसका होता है? कोकोनट का। तो कोकोनट एक जगह से दूसरी जगह पानी के साथ बहकर चले जाएगा। नेक्स्ट एनिमल्स, एनिमल्स हम लोग, दूसरे पेट एनिमल्स, दूसरे ग्राजिंग वाले एनिमल्स भी ये काम करते हैं। क्यों करते हैं? स्पाइनी सीड्स विद हुक्स वाले सीड्स के साथ में, ऐसे सीड्स जिनके कांटेदार उनकी स्ट्रक्चर स्पाइनी है वो, क्योंकि उनमें क्या लगे हुए हैं? हुक्स लगे हुए हैं। हुक्स हम गए उनके आसपास में तो वो अटक जाते हैं कि ले चलो हमें, और हम कहीं और ले जाते हैं उनको, हम अनजाने में ले जाते हैं। जैसे कि जैंथियम, आप इससे भी खेले होंगे, इससे यूरेना, यूरेना से भी खेले होंगे। तो इनके सीड्स कैसे हैं? स्पाइनी हैं, उनमें हुक्स लगे होते हैं, वो आपकी बॉडी पर, आपके कपड़ों पर चिपक जाते हैं, एनिमल्स की बॉडी पर चिपक जाते हैं, उनके बालों में घुस जाते हैं, और फिर एनिमल कहीं दूसरी जगह पर जाते हैं तो फिर वो वहाँ छूट जाते हैं, तो डिस्पर्शन हो गया। और कुछ सीड्स ऐसे होते हैं ऑटोबर्स्ट, कि उनके जो फ्रूट्स जब फटते हैं तो वो सीड्स बिखर जाते हैं, दूर दूर चले जाते हैं। आपने कुछ जो लेग्यूम प्लांट्स हैं ऐसा उनमें देखा होगा, दालों वाले प्लांट्स में। दूसरी बात कास्टर एंड बालसम, इनके भी सीड्स उनके फ्रूट से झटके के साथ निकलते हैं, जर्क लगता है और झटके के साथ वो दूर दूर चले जाते हैं। इस तरह से सीड्स एक जगह पर नहीं रहते, दुनिया में सब जगह फैल गए हैं। तो ये चैप्टर हमारा अब कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे किसके बारे में? एक्सरसाइज के बारे में। सो द एक्सरसाइज इज नाउ, सो क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। सो द फर्स्ट इज production of new individuals, new organism from the vegetative part of parent. Parent के vegetative part से मतलब stem, leaf या root के द्वारा नया plant बनना is called as vegetative reproduction. यहाँ पर क्या आएगा? Vegetative reproduction या vegetative propagation. Second, a flower may have either male or female reproductive part. हमने बात की flower में या तो उसमें male है या फिर female है, अगर ऐसी condition आती है दोनों नहीं एक साथ, such a flower is called unisexual. अगर दोनों होते तो bisexual होता. The transfer of pollen grains from the anther to the stigma of the same or of the another flower of the same kind. एक ही जैसे उसी तरह के plant की species वाले दूसरे flower पर, उसको क्या बोलेंगे? या तो same flower या दूसरे flower पर. तो मतलब दोनों को मिला दिया इसमें, मतलब हो गया pollination. अगर ओनली सेम फ्लावर होता तो क्या आंसर इसका? क्रॉस पोलिनेशन नहीं आता, डेफिनेटली सेल्फ पोलिनेशन आता. लेकिन अब यहाँ पे दोनों को मिक्स कर दिया कि सेल्फ वो फ्लावर भी और दूसरे फ्लावर्स भी, तो हो गया पोलिनेशन ओनली. द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट्स इज टर्म्ड एज, मेल और फीमेल गैमिट के फ्यूजन को क्या बोलते हैं? तो अभी हमने पढ़ा इसके बारे में, फर्टिलाइजेशन. एंड द लास्ट वन इज सीड डिस्पर्सल टेक्स प्लेस बाय मीन्स ऑफ व्हाट एंड व्हाट. तो अलग अलग तरीके होते हैं, तो आपने कोई भी तो आंसर लिख दिया, विंड एंड वाटर, एनिमल्स भी हो सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द डिफरेंट मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, गिव एग्जांपल्स. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अलग अलग मेथड्स को डिस्क्राइब कीजिए और एग्जांपल्स भी दीजिए. तो हमने चार एसेक्सुअल मेथड्स की, चार रिप्रोडक्शन की जो मेथड पढ़ी हैं, वेजिटेटिव, उसमें अलग अलग जो पार्ट थे, स्टेम, लीव्स, रूट्स, इनके बारे में बात की हमने. फिर बडिंग के बारे में बात की, बडिंग, देन बडिंग जो ईस्ट में होती है, फ्रेगमेंटेशन जो स्पायरो वगैरह एल्गी में होती है, हम इसके बारे में बात कर चुके हैं. और स्पोर फॉर्मेशन जो दो में होती है, हमने बात की फंजाई में और फर्न एंड मॉसेस में. फर्न एंड मॉसेस में तो सोराई होती है और फंजाई में स्पोरेंजियम होती है जिसमें स्पोर बनते हैं. तो इनके बारे में आपको थोड़ा डिटेल में लिखना है, और इसके अलावा आपको उनके एग्जाम्पल भी लिखने हैं प्लस डायग्राम्स भी ड्रॉ करने हैं, तो आपका आंसर कंप्लीट होगा. आप यहाँ इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं होमवर्क करने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दिस थर्ड, एक्सप्लेन व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मीनिंग क्या है? तो हमने बात की थी सेक्सुअल का मतलब ही है मेल एंड फीमेल सेक्सेस, इसका मतलब सीड्स का डेवलपमेंट.
तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स इन्वॉल्वमेंट ऑफ द टू पेरेंट्स इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन. इट इज फाउंड मेनली इन हायर प्लांट्स वेयर मेल गैमीट्स एंड फीमेल गैमीट्स फ्यूज टू फॉर्म ए जायगोट. मतलब सीड्स के उदाजब होता है. सीड किससे बनता है? मेल फीमेल गैमिट के फ्यूजन के कारण जायगोट बनता है. जायगोट से फिर एम्ब्रियो और एम्ब्रियो से एम्ब्रियो किसके अंदर होता है? सीड के अंदर, जो कि ओव्यूल से बना. दी जायगोट्स डेवलप इन टू इंडिविजुअल्स विच आर नॉट आइडेंटिकल. और वो एक जैसे नहीं होते हैं, एक जैसे नहीं होते हैं. जैसे हमने बात की थी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, किसी भी मेथड में जो पेरेंट्स के बाद में जो बनता है नेक्स्ट इंडिविजुअल, वो एग्जैक्ट कॉपी होता है, नकल होता है, लेकिन सेक्सुअल में नकल नहीं होता. ऑफस्प्रिंग इनहेरिट द कैरेक्टर ऑफ बोथ द पेरेंट्स. इसमें पेरेंट जो मतलब मेल और फीमेल दोनों के जो पार्ट्स थे, हमने बात की फ्यूजन हुआ एग का जो कि ओव्यूल के अंदर था और पोलन ग्रेन का जो कि एंथर में था, दोनों का फ्यूजन हुआ था. अलग अलग तरह के कैरेक्टर्स में मिक्स होते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट द मेन डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो अलग अलग डिफरेंसेस हैं, उनके बारे में टेबल है, आप इसको कर सकते हैं. देखिए पहला, ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व एसेक्सुअल में. इसमें मेल फीमेल दोनों पेरेंट इन्वॉल्व है. अकर्स इन यूनिसेक्सुअल प्लांट. एसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल प्लांट में होगा और ये बाइसेक्सुअल प्लांट में होगा, जिसमें दोनों सेक्स होंगे तभी तो. अकर्स इन लोअर प्लांट्स जो ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है, जैसे हमने बात की फंजाई, एल्गी, ब्राइव, हमने फॉरन की बात की, मोसेस की बात की, तो इनमें ऐसा होता है. और अकर्स इन हायर प्लांट्स. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्टली फ्लावरिंग प्लांट्स में होता है, जो कि हायर प्लांट्स होते हैं. रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स आर नॉट प्रेजेंट. मेल फीमेल वाले गेमिट्स वाले स्टैमन पिस्टल की बात की, वो नहीं होते, लेकिन इनमें डेफिनेटली होते हैं. इन मोस्ट ऑफ द मेथड्स द ओरिजिनल पेरेंट डिसअपीयर्स. खुद वाला पेरेंट गायब. जैसे हमने ईस्ट की बात की, ईस्ट से बडिंग हुई तो क्या हुआ, पेरेंट जो सेल थी उसी में से नई सेल बन गई, तो वो तो पहले वाला पेरेंट जैसा था उसमें से कुछ और बन गया है, गायब हो गया, मतलब वो गायब होते जा रहा है. ओके, ओरिजिनल पेरेंट्स रिमेन अलाइव आफ्टर प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन. और इसमें मेल फीमेल के रिप्रोडक्शन के फ्यूजन के बाद भी पेरेंट वाले फ्लावर पे प्लांट पे डिपेंड प्लांट पे कोई फर्क नहीं पड़ता. प्रोसेस लाइक गैमीट फॉर्मेशन और फर्टिलाइजेशन इज नॉट सीन. अब गैमीट बनते ही नहीं है तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा एसेक्सुअल में, तो क्योंकि इसमें जरूरत ही नहीं पड़ती है. इसमें गैमीट का फर्टिलाइजेशन होता है जिससे जायगोट बनता है. नेक्स्ट है ये वाला, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओनली वन पेरेंट इज इनहेरिटेड. क्योंकि इसमें वन पेरेंट ही हुआ तो उसके कैरेक्टर आगे वाली जनरेशन में जाते हैं. इसमें लेकिन दोनों कैरेक्टर्स मिक्स होते हैं, इसलिए दोनों के करेक्टर जाते हैं. नॉन यूनिट ऑफ सीड्स, सीड्स की जरूरत नहीं है, और इसमें सीड्स की जरूरत है तभी तो नया प्लांट बनेगा. अब क्वेश्चन नंबर 5, स्केच द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर. फ्लावर के जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं उनका स्केच बनाइए. तो फ्लावर के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स दो होते हैं, एक मेल पार्ट और दूसरा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. तो मेल का नाम आप जानते हैं दैट इज स्टैमन, और फीमेल वाला पिस्टिल. तो आप इन दोनों का डायग्राम बनाएंगे, लेबल करेंगे प्रॉपर तरीके से. क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द डिफरेंसेस बिटवीन सेल्फ एंड क्रॉस पोलिनेशन. में डिफरेंस बताना है. ओके, पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर. अगर सेम फ्लावर पे ट्रांसफर होता है तो दैट इज सेल्फ पोलिनेशन. अगर अनदर फ्लावर पे होता है तो क्रॉस पोलिनेशन. नेक्स्ट, अकर्स इन बाइसेक्सुअल प्लांट्स हैविंग एंथर एंड स्टिग्मा मैच्योरिंग एट द सेम टाइम. अगर दोनों एंथर की पोलन ग्रेन और स्टिग्मा दोनों एक साथ अगर मैच्योर होते हैं तभी हो सकता है सेल्फ पोलिनेशन. अगर नहीं एक साथ मेच्योर नहीं हो तो डेफिनेटली नहीं हो सकता. और ये क्रॉस पोलिनेशन, ये हैविंग एंथर एंड स्टिग्मा मेच्योरिंग डिफरेंट टाइम, अलग अलग टाइम पे मेच्योर होता है तो उनमें होता है. क्योंकि एक दूसरा फ्लावर है, एक यहाँ फ्लावर है, एक दूसरा प्लांट का फ्लावर, या इसी प्लांट का कोई दूसरा फ्लावर. इसलिए इट टेक्स प्लेस इन प्लांट्स लाइक वीट, पीज एग्जाम्पल हैं. इट टेक्स प्लेस इन प्लांट लाइक लेडी फिंगर, टोमेटो, ब्रिंजल एटसेट्रा. क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, हाउ डज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन फ्लावर्स. फ्लावर्स में फर्टिलाइजेशन कैसे होता है? तो मेल गैमेट फीमेल गैमेट दोनों का फ्यूजन. सो व्हेन द पोलन ग्रेन रीचेज द स्टिग्मा ऑफ द सेम स्पीसीज फ्लावर, इट स्टार्ट्स ग्रोइंग आउट इन टू द पोलन ट्यूब ऑफ द स्टिग्मा. पोलन ट्यूब के थ्रू ग्रोथ होती है, उसकी नीचे की तरफ एक ही बचता है, बाकी सब मर जाते हैं पोलन ग्रेन्स. दिस ट्यूब कंटिन्यूज टू ग्रो इन साइड द स्टाइल टिल इट रीचेज द ओव्यूल. वो ट्यूब नीचे की तरफ ग्रोथ होती रहती है कब तक? जब तक ये ओव्यूल तक नहीं पहुंच जाती. फिर मेल सेल्स आर रिलीज्ड. मेल सेल का मतलब एंथर के अंदर जो पोलन ग्रेन्स थे उनकी उनका न्यूक्लियस रिलीज इन टू द ओव्यूल फॉर द फर्टिलाइजेशन विद द फीमेल एग सेल. फीमेल की जो एग सेल थी ओव्यूल के अंदर, उसके बाद फ्यूज होने के लिए वो रिलीज कर दी जाती है. कौन सी वाली सेल? पोलन ग्रेन वाली. एंड दस द जायगोट इज
फॉर्म तो जाएगा, बन गया साथ मेल फीमेल दोनों गेमिट के मिलने से। आफ्टर दिस प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, तो ये प्रोसेस कौन से, फर्टिलाइजेशन, इसके बाद में क्या होता है, ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट, ओवरी बन जाती है फ्रूट, एंड ओव्यूल इनटू सीड्स, ओव्यूल सीड बन जाते हैं, और सीड के अंदर क्या होता है, जाइगोट, जो कि बाद में एम्ब्रियो बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, डिस्क्राइब द वेरियस वेज बाई विच सीड्स आर डिस्पर्स्ड, सीड्स का डिस्पर्शन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर कौन कौन से तरीकों से होता है, जो हमने लास्ट में बात की अभी। फॉलोइंग आर द वेज इन विच द सीड्स आर डिस्पर्स्ड, लाइट सीड्स के बारे में हमने बात की, स्पाइनी सीड्स के बारे में बात की हमने, हैवी सीड्स के बारे में बात की, कोकोनट वगैरह तो पानी के साथ चले जाते हैं, और कुछ चले जाते हैं जो फटते हैं, बालसम और कास्टर वाले सीड्स। नाइन्थ क्वेश्चन है, मैच आइटम्स इन कॉलम वन विद कॉलम टू, बर्ड को किससे मैच करेंगे आप, मैपल स्पैरो वगैरह, ईस्ट, तो ईस्ट में बर्डिंग होती है, आइज किस में होती, देखिए पोटेटो, ओके। नेक्स्ट, फ्रेगमेंटेशन किस में होता है, स्पैरो वगैरह, विंग्स किस में होते हैं, विंग सीड्स मैंने बात की, मैपल, और स्पोर्स किस में होते हैं, स्पोर्स ब्रेड मोल्ड में, दैट्स इट। नाउ टेंथ क्वेश्चन, टिक द करेक्ट आंसर, चार में से करेक्ट है इसको टिक करना, द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए प्लांट इज कौन सा है, बाकी सब सारे के सारे कौन से, वेजिटेटिव पार्ट है, एक रिप्रोडक्टिव, लीफ स्टेम रूट एंड फ्लावर, तो इसका आंसर क्या है, फ्लावर। नेक्स्ट बी क्वेश्चन, इसमें द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड द फीमेल गैमिट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं फ्यूजन को, दैट इज पोलिनेशन बोलते हैं क्या, इधर ट्रांसफर, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं क्या, यस। सी मेच्योर ओवरी फॉर्म्स, ओवरी जब मेच्योर होती है तो क्या बना लेती है वो, सीड स्टैमन पिस्टल एंड फ्रूट, तो फ्रूट बना लेती है वो। स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट, ऐसा प्लांट जो स्पोर्स प्रोडक्शन करता है, रोज में नहीं होते, ब्रेड मोल्ड में, यस, पोटेटो में, जिंजर में नहीं होते, ब्रेड मोल्ड में, ब्रेड में तो स्पोर बनते हैं, खराब हो जाता है इसके कारण ब्रेड की स्लाइस। ब्रायोफिलम कैन बी रिप्रोड्यूस्ड बाई इट्स, ब्रायोफिलम जो एल्गा है वो किसके द्वारा करता है रिप्रोडक्शन, स्टेम के द्वारा, लीव्स के द्वारा, सॉरी ब्रायोफिलम एल्गा नहीं है, ब्रायोफिलम जो स्प्राउट प्लांट है, स्प्राउट लीफ प्लांट, वो तो ये रूट्स के द्वारा या फ्लावर के द्वारा, तो वो करता है अपनी लीव्स के द्वारा, लीव्स में उसकी बड्स बनती है मार्जिन्स पर, उनसे नया प्लांट बन जाता है, सो दैट्स इट।